चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एक्चुअली थोड़ा सा टाइमिंग डालने में थोड़ा सा चेंज हो गया था। 2:40 की जगह मैंने शायद 3:40 डाल दिया था, तो 5 मिनट वेट कर लेते हैं जिससे कि सभी लोग ज्वाइन हो जाए, क्योंकि तो मैंने सही मैसेज कर दिया है। तो वेट फॉर द 5 मिनट्स। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि कल हम लोगों ने इंटरकनेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि दो टू पोर्ट नेटवर्क के हम लोग कैसे इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किन्हीं भी दो टू पोर्ट नेटवर्क को किस किस प्रकार से इंटरकनेक्ट किया जा सकता है। आप देखेंगे कि टू पोर्ट नेटवर्क में दो टाइप के पोर्ट होते हैं, एक तो इनपुट पोर्ट होता है, दूसरा आउटपुट पोर्ट होता है। तो अगर आप दो टू पोर्ट नेटवर्क का इंटरकनेक्शन करना चाहते हैं तो इनपुट पोर्ट पे आप कनेक्शन अलग कर सकते हैं और आउटपुट पोर्ट से कनेक्शन को अलग कर सकते हैं। फॉर अगर इस हिसाब से देखा जाए तो दो टू पोर्ट नेटवर्क के आप इनपुट पोर्ट्स को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं और दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट को आप सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक प्रकार का आपका पहला कनेक्शन जो होगा दो टू पोर्ट नेटवर्क में वो हो जाएगा सीरीज सीरीज कनेक्शन। और जब मैं दो टू पोर्ट नेटवर्क को दोनों टू पोर्ट अगर मैं दो टू पोर्ट नेटवर्क के दोनों पोर्ट को जब मैं आपस में इंटरकनेक्ट करूंगा तो इंटरकनेक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट नेटवर्क बनेगा वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट नेटवर्क के कौन कौन से पैरामीटर हम लोग किस किस कनेक्शन में बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं ये हम लोगों को देखना था। ठीक है, कनेक्शन के बारे में मैंने कल आपको कुछ बताया भी था कि आप अपने दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं और आउटपुट पोर्ट को भी सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहला कनेक्शन जो होगा वो आपका सीरीज सीरीज कनेक्शन होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हो सकता है मैं दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट को पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट कर दूं और दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट को भी पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट कर दूंगा, तो दूसरा आपका जो है जो इंटरकनेक्शन होगा दो टू पोर्ट नेटवर्क के बीच में दैट इज ए पैरेलल पैरेलल कनेक्शन। ठीक है,
उसके बाद जो तीसरा इंटरकनेक्शन होगा कि दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट को तो आप सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर देंगे, और दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट को आप पैरेलल कनेक्शन में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से एक और कनेक्शन एग्जिस्ट करेगा दो टू पोर्ट नेटवर्क के बीच में, सीरीज पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, चौथा जो आपका इंटरकनेक्शन एग्जिस्ट करेगा कि आप दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट्स को पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट कर दीजिए, और दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट को आप सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर दीजिए। तो उस हिसाब से चौथा इंटरकनेक्शन होगा, दैट इज नथिंग बट अ पैरेलल सीरीज इंटरकनेक्शन। और पांचवा इंटरकनेक्शन होगा कि आप दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग कनेक्शन में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे टाइप पांच टाइप के दो टू पोर्ट नेटवर्क को पांच टाइप से आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, और किस इंटरकनेक्शन में कौन सा पैरामीटर निकालना आसान होगा ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए कल मैंने आपको कुछ लॉजिक्स बताए थे कि आपका जो सीरीज कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन में आपकी केवीएल इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अगर मैं सीरीज कनेक्शन में केसीएल इक्वेशन बनाऊंगा तो जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जनरली हम जो है जब भी सीरीज कनेक्शन की बात करेंगे तो सीरीज कनेक्शन में हम केवल और केवल किस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, केवीएल इक्वेशन, या फिर आप बोल सकते हैं कि इन सीरीज कनेक्शन ओनली केवीएल इक्वेशन इज एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है। उसके बाद पैरेलल कनेक्शन के बारे में मैंने बताया था कि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, अगर वोल्टेज समान होता है तो जब मैं केवीएल इक्वेशन बनाऊंगा तो जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा उस इक्वेशन से। तो जनरली पैरेलल कनेक्शन में आपकी केसीएल इक्वेशन क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो जनरली हम जो है पैरेलल कनेक्शन में केसीएल इक्वेशन बनाते हैं, या फिर केसीएल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, सीरीज कनेक्शन में हम लोग केवीएल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। केवीएल इक्वेशन वोल्टेज की इक्वेशन होती है और केसीएल इक्वेशन आपकी करंट की इक्वेशन होती है। ठीक है, चलिए, तो पहला कनेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, कल नेट की कनेक्टिविटी की वजह से टॉपिक आपका बीच में रह गया था, तो मैं स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ, तो आप लोग एक बार जो है पांच मिनट पेशेंस रखेंगे। उसके बाद तो हम लोग पहले इंटरकनेक्शन बनाना सीख रहे हैं, कौन सा पैरामीटर निकाल पाएंगे ये हम लोग बाद में देखेंगे। फर्स्ट वी विल टेक द इंटरकनेक्शन की अगर मैं अपने दो टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, कैसे मैं दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर सकता हूं। तो पहला आपका जो इंटरकनेक्शन था, दिस इज फर्स्ट इंटरकनेक्शन इज सीरीज सीरीज इंटरकनेक्शन, सीरीज सीरीज इंटरकनेक्शन, या फिर कई बार इसी को बुक में सीरीज सीरीज कनेक्शन लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये आपका इंटरकनेक्शन है। ठीक है, दिस इज आल्सो रिटन एज ए सीरीज सीरीज कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन लिखा होगा लेकिन आपको समझ जाना है कि हम लोग यहां पर कनेक्शन के तौर पे इंटरकनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला चीज मैंने आपको बताया था कि जो आपका कनेक्शन में इंटरकनेक्शन में जो पहला लेटर लिखा होता है वो आपके इनपुट पोर्ट के इंटरकनेक्शन के बारे में बताता है, और दूसरा जो आपका वर्ड लिखा होता है वो आपके आउटपुट पोर्ट के इंटरकनेक्शन के बारे में बताता है। तो पहला जो आपका जो लेटर होगा वो आपका बताएगा टेल्स अबाउट द इनपुट पोर्ट इंटरकनेक्शन, टेल्स टेल्स अबाउट टेल्स अबाउट इनपुट पोर्ट पोर्ट कनेक्शन, कनेक्शन या फिर इंटरकनेक्शन बात एक ही है बेटा, टेल्स अबाउट इनपुट पोर्ट इंटरकनेक्शन। ठीक है, तो जो पहला आपका जो है लेटर है वो बता रहा है कि आपने दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट्स को किसमें कनेक्ट कर रखा है, सीरीज कनेक्शन में। सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है कि आपका दोनों के इनपुट पोर्ट आपके सीरीज कनेक्शन में तभी कनेक्ट होंगे जब दोनों के इनपुट पोर्ट पे सेम करंट फ्लो करेगा। अगर दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पे सेम करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के
इनपुट पोर्ट्स आपके सीरीज कनेक्शन में होने वाले हैं। दूसरा जो आपका लेटर होता है इंटरकनेक्शन में, वो आपका जो है इंटरकनेक्शन या फिर कनेक्शन के बारे में बताता है आउटपुट पोर्ट कि दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट्स को आपने किस तरह से कनेक्ट कर रखा है। दिस इज द टेल्स अबाउट आउटपुट पोर्ट कनेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर चलते हैं, अब कनेक्शन के बारे में बात करते हैं कि मेरे पास दो टू पोर्ट नेटवर्क होंगे, दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को मैं सीरीज सीरीज इंटरकनेक्शन में कनेक्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। दोनों के इनपुट पोर्ट भी आपके किस कनेक्शन में होंगे, दोनों के इनपुट पोर्ट को मैं सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करूंगा और दोनों के आउटपुट पोर्ट को भी आप सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करना चाहते हैं। तो सर्किट सीख लेंगे सीरीज और पैरेलल वाले, तो बाकी आप अपनी तरीके से बना सकते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको कनेक्शन बना के दे देगा, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि कैसा कनेक्शन है और कनेक्शन के हिसाब से आप जो है जो रिजल्टेंट आपका नेटवर्क बनेगा वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क होगा। उस रिजल्टेंट नेटवर्क के आपसे क्या पूछेगा, आपके पैरामीटर पूछेगा। तो कौन से पैरामीटर हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना कल ही आप लोगों ने लिख लिया था, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैं दो टू पोर्ट नेटवर्क ले रहा हूं। नाउ आई कैन बी कंसीडर टू पोर्ट नेटवर्क, दिस इज द फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क और ये आपका दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क एंड दिस इज द सेकेंड टू पोर्ट नेटवर्क। दोनों को मैं बना देता हूं, दिस इज द फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क एंड दिस इज द सेकेंड टू पोर्ट नेटवर्क। अच्छे से देखेंगे बेटा, ये नॉर्मली कोई पढ़ाता नहीं है और अगर कन्वेंशनल मेथड से अगर आप जो है क्वेश्चन को करने जाएंगे इंटरकनेक्शन वाले, बहुत लेंदी पड़ता है, आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को करने में पांच पांच पेज लगता है, लेकिन अगर आपको इंटरकनेक्शन का आइडिया तो सेम क्वेश्चन को आप दो लाइन में कर सकते हैं, इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं। और जब हम लोग कैस्केडिंग कनेक्शन की बात करेंगे तो ट्रांसमिशन में कैस्केडिंग कनेक्शन ही यूज आएगा। लोग जो है इक्वेशन बनवाते हैं, दो दो पेज का डेरिवेशन करवाते हैं हर एक ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर निकालने के लिए, लेकिन अगर आपको इंटरकनेक्शन आता है तो आप हर एक ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर केवल और केवल दो से तीन लाइन में कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी अंडरस्टैंड, दिस इज द फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क, ये आपके पहले टू पोर्ट नेटवर्क का इनपुट पोर्ट के टर्मिनल है। पोर्ट में दो टर्मिनल होते हैं, पेयर ऑफ टर्मिनल इज नोन एज ए पोर्ट। तो दिस इज नथिंग बट द इनपुट पोर्ट टर्मिनल ऑफ फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क, दिस इज द आउटपुट पोर्ट टर्मिनल्स ऑफ फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क। आपका ये जो है पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट है, इनपुट पोर्ट के टर्मिनल है, और ये बेटा पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के टर्मिनल है, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये आपके दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क का, ये आपके दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के टर्मिनल है, दिस इज द इनपुट पोर्ट टर्मिनल ऑफ सेकेंड टू पोर्ट नेटवर्क, सेकेंड टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के टर्मिनल। और ये बेटा दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के टर्मिनल, दिस इज द आउटपुट पोर्ट टर्मिनल ऑफ सेकेंड टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। आपके पास ये पहला टू पोर्ट नेटवर्क है, ये दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क है। अब आपको इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को क्या करना है, इंटरकनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है, दैट इज सीरीज सीरीज इंटरकनेक्शन। मतलब जो है पहला सीरीज बता रहा है कि दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट्स को आपको सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करना है, और बेटा दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट को भी आपको सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करना है। अगर आप दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट्स को सीरीज में कनेक्ट करना चाहते हैं तो दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के जो इनपुट पोर्ट्स हैं वो सीरीज में तब कहलाएंगे जब दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट में सेम करंट फ्लो करे। जो करंट बेटा पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के टर्मिनल में फ्लो करे,
सेम करंट आपके दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के टर्मिनल में अगर फ्लो करेगा तो दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट्स आपके सीरीज कनेक्शन में आ जाएंगे। उसी तरह अगर आप दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट्स को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करना चाहते हैं तो दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के टर्मिनल में सेम करंट क्या होना चाहिए, फ्लो करना चाहिए। सेम करंट का फ्लो करेगा, ठीक है। अब जरा हम कनेक्शन को करने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर मैं दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट्स को अगर सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करना चाहता हूं तो उसके लिए आप पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के दूसरे टर्मिनल को दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के पहले टर्मिनल के साथ क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। अगर मैं पहले टू पोर्ट नेटवर्क के दूसरे टर्मिनल को दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के पहले टर्मिनल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा तो दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। देखने के लिए आप करंट फ्लो कराइएगा और जब आप इनपुट पोर्ट में दोनों के करंट फ्लो कराएंगे तो दोनों में सेम करंट आएगा, ठीक है। तो अगर मैं दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट्स को सीरीज में कनेक्ट करना चाहता हूं तो मैं पहले टू पोर्ट नेटवर्क के दूसरे टर्मिनल को दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के पहले टर्मिनल के साथ डायरेक्टली क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। दूसरे टर्मिनल को आप दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के पहले टर्मिनल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, आपके दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट सीरीज कनेक्शन में आ जाएंगे। अब चेक करते हैं कि ये सीरीज कनेक्शन में है कि नहीं। सीरीज कनेक्शन में होने का मतलब कि अगर दोनों पोर्ट के इनपुट पोर्ट सीरीज कनेक्शन में होंगे तो दोनों के इनपुट पोर्ट में सेम करंट फ्लो कराएगा। तो उसके लिए चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करंट फ्लो कराना पड़ेगा। किसी भी एक टू पोर्ट नेटवर्क के एक टर्मिनल में करंट फ्लो कराइए। अगर बेटा जब आप करंट फ्लो कराएंगे और दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के अगर इनपुट पोर्ट पे सेम करंट फ्लो कर जाएगा तो दोनों के इनपुट पोर्ट आपके सीरीज कनेक्शन में आ जाएंगे। और जब मैं सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करूंगा दोनों के, उसके बाद ओवरऑल नेटवर्क को भी देखेंगे, वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क ही आएगा, ठीक है। तो चलो फ्लो कराने की कोशिश करते हैं। इनपुट पोर्ट के बारे में बात करते हैं तो जनरली हम इनपुट पोर्ट में कितना करंट मानते हैं, I1 करंट मानते हैं। जनरली हम जो है इनपुट पोर्ट में कितना करंट मानते हैं, I1। तो I1 करंट ही बेटा मैं फ्लो करा रहा हूं, ठीक है। चलिए मैंने आपके इनपुट पोर्ट के कनेक्शन के बारे में देखना है तो इनपुट पोर्ट पे मैंने क्या किया, I1 करंट फ्लो करा के देखा। अब आप देखेंगे ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों मेरे पोर्ट हैं, ये दोनों मेरे क्या है, पोर्ट हैं। अगर पोर्ट ये पेयर ऑफ टर्मिनल पोर्ट है तो जितना करंट बेटा इस टर्मिनल फ्लो करेगा, अगर इस टर्मिनल से एक टर्मिनल से जितना करंट इन करेगा उतना ही करंट दूसरे टर्मिनल से क्या भी करेगा, लीव करेगा। उसी तरह ये जो पेयर ऑफ टर्मिनल है ये भी पोर्ट है। आपके इस पेयर ऑफ टर्मिनल में या फिर इस पोर्ट के एक टर्मिनल में जितना करंट इन कर जाएगा उतना ही करंट दूसरे टर्मिनल से आउट भी कर जाएगा, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी सी दैट मैंने यहां से आपके इनपुट दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के कनेक्शन को देखने के लिए मैंने करंट फ्लो कराया, ठीक है। क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट होने का मतलब दोनों ही टू पोर्ट के इनपुट पोर्ट में सेम करंट आना चाहिए। तो करंट चेक करते हैं तो I1 करंट फ्लो कराया, ये I1 करंट आपका ऐसे फ्लो करेगा, दिस इज I1। अब आपको दिख रहा होगा ये पेयर ऑफ टर्मिनल क्या है, पोर्ट है। अगर ये पेयर ऑफ टर्मिनल पोर्ट है तो एक टर्मिनल से जितना करंट इन करेगा तो दूसरे से उतना ही लीव करेगा। तो यहां से I1 करंट इन कर रहा है इस टर्मिनल से, तो इस टर्मिनल से कितना करंट लीव करेगा बेटा, दिस इज I1 करंट लीव कर जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे ये जो I1 करंट है वो ऐसे होते हुए फ्लो करेगा। तो नाउ दिस I1 करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, दिस I1 करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। अब दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के एक टर्मिनल में कितना करंट फ्लो करेगा बेटा, I1, दिस इज I1। अब ये पेयर ऑफ टर्मिनल पोर्ट है तो एक टर्मिनल से जितना करंट इन करा उतना ही आउट कर जाएगा। तो नाउ दिस इज इस टर्मिनल से कितना करंट आउट करेगा, दिस इज I1, दिस इज I1। तो जरा देखिए बेटा कि दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के क्या इनपुट पोर्ट पे इनपुट पोर्ट के टर्मिनल में सेम करंट फ्लो कर रहा है। इसके भी इनपुट पोर्ट के टर्मिनल में I1 करंट फ्लो कर रहा है और इसके भी इनपुट पोर्ट के टर्मिनल में I1 करंट फ्लो कर रहा है। तो दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट किस कनेक्शन में है बेटा, दैट इज सीरीज कनेक्शन में है।
दिस इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आउटपुट पोर्ट्स को भी किस कनेक्शन में कनेक्ट करना है, सीरीज कनेक्शन में क्या करना है, कनेक्ट करना है। सीरीज कनेक्शन के लिए मैंने बताया था कि अगर आप जो है अपने दोनों टू पोर्ट के, दोनों ही टू पोर्ट के पोर्ट्स को क्या करना चाहते हैं, सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो पहले के दूसरे टर्मिनल और दूसरे के पहले टर्मिनल को क्या कर दीजिए, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दीजिए। अगर मैं पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के दूसरे टर्मिनल को, दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के पहले टर्मिनल से अगर डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा, तो दोनों के आउटपुट पोर्ट के टर्मिनल में भी सेम करंट फ्लो करेगा। अगर दोनों के आउटपुट टर्मिनल में सेम करंट फ्लो करेगा, तो दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के जो आउटपुट पोर्ट होंगे वो आपके सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट होंगे। दैट पैसिंग बट कॉल्ड द दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट किस कनेक्शन में आ जाएंगे, सीरीज सीरीज कनेक्शन में। दैट इज सीरीज, पहला सीरीज होगा इनपुट पोर्ट के बारे में और दूसरा आपका सीरीज होगा आउटपुट पोर्ट के कनेक्शन के बारे में बताएगा। ठीक है, तो अगर आप दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो बेटा पहले टू पोर्ट नेटवर्क के दूसरे टर्मिनल और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के पहले टर्मिनल को डायरेक्टली कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। अब मुझे चेक करना है सीरीज कनेक्शन चेक करना है, तो करंट सेम होना चाहिए। तो आउटपुट पोर्ट में कितना करंट मानते थे, I2 करंट मानते थे, तो आउटपुट पोर्ट पे जरा आप I2 करंट फ्लो कराइए। अगर दोनों के आउटपुट पोर्ट पे सेम करंट फ्लो कर जाएगा, तो दोनों के आउटपुट पोर्ट किस कनेक्शन में लेंगे, सीरीज कनेक्शन में। तो चलिए करंट फ्लो कराने की कोशिश करते हैं। आउटपुट पोर्ट के बारे में बात करें, आउटपुट पोर्ट पे करंट फ्लो कराते थे I2, दिस इज I2। ठीक है, अब आप देखेंगे ये पेयर ऑफ टर्मिनल पोर्ट है, तो बेटा इस पेयर ऑफ टर्मिनल में एक टर्मिनल से जितना करंट इन करेगा उतना ही लीव करेगा, तो बेटा इस दूसरे टर्मिनल से कितना करंट लीव कर जाएगा, दिस इज I2। I2 करंट अब ऐसे फ्लो करेगा, दिस इज I2। अब दूसरे टू पोर्ट के पहले टर्मिनल में, दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के पहले टर्मिनल में I2 करंट इन कर रहा है, तो दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के दूसरे टर्मिनल से कितना करंट फ्लो करेगा, लीव करेगा, I2, दिस इज I2। लाइक दिस, दिस इज द I2 विल बी देयर। तो आपको दिख रहा होगा आपका जो है दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट टर्मिनल्स पे या फिर आउटपुट पोर्ट के टर्मिनल में सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट किस कनेक्शन में कनेक्ट है, दिस इज सीरीज कनेक्शन में क्या है, कनेक्ट है, सीरीज कनेक्शन में क्या है, कनेक्ट है। तो अगर आप दो टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो दोनों के इनपुट पोर्ट्स को अगर सीरीज में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो बेटा पहले टू पोर्ट नेटवर्क के दूसरे टर्मिनल को दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के पहले टर्मिनल के साथ क्या कर दीजिए, कनेक्ट करें। दोनों के इनपुट पोर्ट आपके सीरीज में आ जाएंगे। दोनों के आउटपुट पोर्ट को अगर आप जो है सीरीज में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के आप दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क में पहले टू पोर्ट नेटवर्क के दूसरे टर्मिनल और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के पहले टर्मिनल को डायरेक्टली क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। तो दिस इज कॉल्ड आपके दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क का इनपुट पोर्ट भी सीरीज कनेक्शन में है, आउटपुट पोर्ट भी सीरीज कनेक्शन में। तो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड द सीरीज सीरीज इंटरकनेक्शन ऑफ टू टू पोर्ट नेटवर्क। ये आपके दोनों टू पोर्ट नेटवर्क का कौन सा कनेक्शन है, दिस इज नथिंग बट द सीरीज सीरीज इंटरकनेक्शन इंटरकनेक्शन of two port networks। ठीक है, दो टू पोर्ट नेटवर्क का ये सीरीज सीरीज इंटरकनेक्शन है। अब जरा देखिए कि जब मैं दो टू पोर्ट नेटवर्क को जब आप दो टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज सीरीज इंटरकनेक्शन में कनेक्ट करते हैं, तो रिजल्टेंट जो नेटवर्क बनेगा, रिजल्टेंट, हेलो, पहले टू पोर्ट नेटवर्क और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क को आपने किस कनेक्शन में किया, इनपुट पोर्ट्स को भी सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट किया, आउटपुट पोर्ट को भी सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट किया है। दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क को जब आप सीरीज सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे, तो जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा, हेलो, दिस इज ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क, ध्यान से देखिए, ओवरऑल जो टू पोर्ट आपका जो है, जब आप दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर देंगे,
कनेक्ट करने के बाद जो ओवरऑल नेटवर्क बनेगा क्या वो एक टू पोर्ट नेटवर्क है? जब आप दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर देंगे, सीरीज सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करने के बाद दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करने के बाद ये जो ओवरऑल नेटवर्क बनेगा, ये जो ओवरऑल नेटवर्क बनेगा क्या ये टू पोर्ट नेटवर्क है? हेलो, दिख रहा होगा? नाउ दिस इज ए पेयर ऑफ टर्मिनल एंड दिस इज वन पेयर ऑफ टर्मिनल। तो जब मैं दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज सीरीज इंटरकनेक्शन में कनेक्ट करूंगा तो मेरे पास जो ओवरऑल नेटवर्क बनेगा वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क होगा। नाउ दिस इज द ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के ये इनपुट पोर्ट है और ये बेटा आउटपुट पोर्ट है। दिस इज द इनपुट पोर्ट ऑफ द ओवरऑल नेटवर्क एंड दिस इज द आउटपुट पोर्ट ऑफ द ओवरऑल नेटवर्क। तो आप देखेंगे कि अगर आप दो टू पोर्ट नेटवर्क का जब इंटरकनेक्शन करेंगे तो दो टू पोर्ट नेटवर्क के इंटरकनेक्शन करने के बाद ये जो ओवरऑल नेटवर्क बनेगा ये भी एक टू पोर्ट नेटवर्क है। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क की डेफिनेशन बताई थी कि टू पोर्ट नेटवर्क में क्या होंगे, दो पोर्ट या फिर पेयर ऑफ पोर्ट होंगे। पेयर ऑफ पोर्ट का मतलब एक इनपुट पोर्ट होगा, दूसरा आउटपुट पोर्ट होगा। तो आप देखेंगे दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क, यहां पर आप देखें दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क का मैंने इंटरकनेक्शन कर दिया। कौन सा इंटरकनेक्शन किया? सीरीज सीरीज इंटरकनेक्शन है। दो टू पोर्ट नेटवर्क को जब आप इंटरकनेक्ट कर देंगे, इंटरकनेक्ट करने के बाद आपके पास ये जो ओवरऑल नेटवर्क है उसमें ये आपका ओवरऑल नेटवर्क का ये इनपुट पोर्ट है और ये ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क का आउटपुट पोर्ट है। तो ओवरऑल जो नेटवर्क बनेगा वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क होगा। ठीक है, अब ओवरऑल जो नेटवर्क है वो एक टू पोर्ट नेटवर्क है। अगर टू पोर्ट नेटवर्क है तो आप ओवरऑल नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पे रेफरेंस वोल्टेज और रेफरेंस करंट दिखा सकते हैं और ओवरऑल नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट पे रेफरेंस वोल्टेज और रेफरेंस करंट दिखा सकते हैं। तो बेटा यहां पर मैं कुछ चीजें दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बना है, हेलो, दिस इज ए ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क। ये उसके इनपुट पोर्ट के टर्मिनल है और ये उसके आउटपुट पोर्ट के टर्मिनल। इनपुट पोर्ट पे कितना रेफरेंस वोल्टेज और रेफरेंस करंट मानते थे? इनपुट पोर्ट के टर्मिनल में जो रेफरेंस वोल्टेज मानते थे, हेलो, रेफरेंस वोल्टेज मानते थे V1। दिस इज V1। पोलैरिटी क्या होती है? ऊपर प्लस नीचे माइनस। और बेटा रेफरेंस करंट कितना मानते थे? रेफरेंस करंट मानते थे I1। रेफरेंस करंट मानते थे I1। रेफरेंस करंट हमेशा मानते थे I1। रेफरेंस करंट हमेशा मानते थे I1। इनपुट पोर्ट पे रेफरेंस करंट मानते थे I1। एक पोर्ट के एक टर्मिनल से अगर I1 करंट इन कर रहा है तो बेटा पोर्ट के दूसरे टर्मिनल से I1 करंट क्या करेगा? लीव करेगा। आपका जो है जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क है उसके आउटपुट पोर्ट पे कितना वोल्टेज मानते थे? रेफरेंस वोल्टेज मानते थे V2। ध्यान से देखिए, दिस इज V2। ठीक है, पोलैरिटी क्या होती थी? ऊपर प्लस नीचे माइनस। और रेफरेंस करंट कितना मानते थे? रेफरेंस करंट मानते थे I2। रेफरेंस करंट मानते थे बेटा I2। तो ये तो बेटा मैंने क्या किया है, ओवरऑल टू पोर्ट, हेलो, ये जो है जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बना है, ये जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बना है उसका इनपुट वोल्टेज इनपुट पोर्ट पे रेफरेंस वोल्टेज माना है V1, रेफरेंस करंट माना है I1। और बेटा जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बना है उसके आउटपुट पोर्ट में रेफरेंस वोल्टेज V2 है और रेफरेंस करंट कितना I2। अब जरा अंदर वाले टू पोर्ट नेटवर्क में मान लेते हैं, हेलो, ध्यान से देखिए, जो अंदर वाला टू पोर्ट नेटवर्क है उसके बेटा पोर्ट ये है, दिस इज द टू पोर्ट, दिस इज द वन पोर्ट एंड दिस इज द सेकेंड पोर्ट। ये इनपुट पोर्ट है, पहले टू पोर्ट नेटवर्क का इनपुट पोर्ट है और ये बेटा आपके पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट है। ठीक है, तो पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पे रेफरेंस वोल्टेज कितना मान लेते हैं? दैट इज V1। ध्यान से देखिएगा, रेफरेंस वोल्टेज मान लेते हैं V1। पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पे रेफरेंस वोल्टेज आपने माना है V1। पोलैरिटी कैसे मानते थे? दिस इज प्लस माइनस। और करंट कितना माना है बेटा? करंट तो I1 माना है। एक इनपुट पोर्ट के एक टर्मिनल से I1 करंट इन कर रहा है और बेटा इनपुट पोर्ट के दूसरे टर्मिनल से I1 करंट लीव कर रहा है। ठीक है, दूसरे टू पोर्ट के बारे में बात करते हैं। दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के ये इनपुट पोर्ट है, इनपुट पोर्ट पे रेफरेंस वोल्टेज कितना मान लेते हैं? दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पे रेफरेंस वोल्टेज मान लेते हैं V1। पोलैरिटी क्या होगी? ऊपर प्लस नीचे माइनस। और रेफरेंस करंट कितना मानते थे बेटा इनपुट पोर्ट पे? I1 मानते थे। देखो I1 करंट इन कर रहा है, इनपुट पोर्ट के एक टर्मिनल से I1 करंट इन कर रहा है, आपका
इनपुट पोर्ट के दूसरे टर्मिनल से आई1 करंट क्या करा, लीव करा। तो ये आप देखेंगे पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पर रेफरेंस वोल्टेज है V1 और रेफरेंस करंट है I1। दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पे रेफरेंस वोल्टेज है V1 और बेटा रेफरेंस करंट है I1। रेफरेंस वोल्टेज है V1। अब आप देखेंगे सीरीज कनेक्शन है ना, हेलो सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन बेटा करंट कैसे होते हैं, सेम। आपके दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट किसमें कनेक्ट है बेटा, सीरीज कनेक्शन में। सीरीज कनेक्शन है तो दोनों के इनपुट पोर्ट पे मैंने सेम करंट माना है, देखो I1 करंट माना है, लेकिन सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज अलग अलग होता है। तो पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पे कितना वोल्टेज माना है, V1। दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के अक्रॉस कितना वोल्टेज माना है, V1। और बेटा ओवरऑल जो टू पोर्ट नेटवर्क है उसके इनपुट पोर्ट में कितना वोल्टेज माना है, V माना है, ठीक है। KVL आप लगा सकते हैं और KVL लगा के दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज हो जाए, ठीक है। उसी तरह जरा आउटपुट पोर्ट पे आ जाते हैं, आउटपुट पोर्ट पे आ जाते हैं। अभी हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे, अभी मैं केवल आपको चीजें बता रहा हूं कि क्या क्या है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट है और ये दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट है। क्योंकि दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट आपके सीरीज कनेक्शन में है, इसलिए दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट पे करंट क्या है, सेम है। लेकिन सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज अलग अलग होता है, तो पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के अक्रॉस वोल्टेज मैंने माना है V2। कितना माना है, V2। पोलैरिटी कैसी होगी, ऊपर प्लस नीचे माइनस। और बेटा दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज V2। कितना, V2, ठीक है। पोलैरिटी कैसी होगी, ऊपर प्लस नीचे माइनस विल बी देयर, ठीक है। तो आप देखेंगे दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट आपके सीरीज कनेक्शन में, तो दोनों के आउटपुट पोर्ट के टर्मिनल में सेम करंट है, लेकिन वोल्टेज कैसा है बेटा, अलग है। पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट में वोल्टेज है V2 और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट में वोल्टेज है V2। V2 इसलिए नहीं माना क्योंकि मैंने ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट टर्मिनल के आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज को V2 मान लिया। अगर यहां V2 मान लिया तो मैंने इसको V2 मान लिया, पहला वाला है तो डैश मान लिया है और ये दूसरा वाला है तो V2 मान लिया, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द, आपको दिख रहा होगा जब मैं दो टू पोर्ट नेटवर्क को का इंटरकनेक्शन करूंगा, आप कोई सा भी इंटरकनेक्शन करिए, चाहे सीरीज सीरीज करिए, चाहे पैरेलल पैरेलल करिए, कोई सा भी इंटरकनेक्शन करिए, जब आप दो टू पोर्ट नेटवर्क का इंटरकनेक्शन करेंगे तो इंटरकनेक्शन करने के बाद जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क, ओवरऑल जो नेटवर्क बनेगा वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क होने वाला है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर दो टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर देंगे तो बेटा जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क होगा उसके कौन से पैरामीटर आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये भी मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। पहले इतना बना लीजिए, पहले आपने आधा फिगर बनाया था, अब आज पूरा फिगर बना लीजिए। नाउ यू कैन बी मेक द फिगर। अभी देखते हैं कि जब हम सीरीज सीरीज कनेक्शन में दो टू पोर्ट नेटवर्क को जब आप सीरीज सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर देते हैं तो जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा उसके कौन से पैरामीटर आप जो है डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। बनाइए फिगर, फिगर बनाने के बाद मुझे बता दीजिएगा डन हो गया कि नहीं। फिगर को बना लीजिए, कंप्लीट फिगर है। अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, अभी मैं ड्राइव कराऊंगा, अभी मैं आपको चीजें बता रहा हूं। डन हो गया हो तो मुझे बता दें, दो तीन लोगों ने डन लिख दिया है। अगर हो गया हो तो आगे चलें। अब चलिए, मेरे ख्याल से हो गया है। चलिए अब देखते हैं कि सीरीज सीरीज कनेक्शन में जब दो टू पोर्ट नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं तो जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बनता है उसके कौन से पैरामीटर निकाल सकते हैं। देखो ट्रिक मैं बता रहा हूं, इसका डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा, एक का डेरिवेशन कराऊंगा, बाकी में ट्रिक से आपको निकालना होगा, लेकिन मैं ट्रिक पहले आपको बताने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखिए किस कनेक्शन में कनेक्ट किया, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे लिखिएगा बिल्कुल नहीं। This is
सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में अगर मैं दो टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट और आउटपुट पोर्ट को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर दूंगा तो जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा उसके कौन से पैरामीटर निकालना आसान होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो जो पहली चीज अगर मैं बात करूं, जो पहला सीरीज है, पहला जो सीरीज है इंटरकनेक्शन में, जो पहला सीरीज होता है वो किस पोर्ट के कनेक्शन के बारे में बात करता है? इनपुट पोर्ट के बारे में। किसके बारे में बात करता है? इनपुट पोर्ट के कनेक्शन के बारे में बात कर रहा है। दिस इज इनपुट पोर्ट्स को मैंने दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट को सीरीज में कनेक्ट किया। दूसरा जो बेटा आपका जो लेटर होगा वो आपके किस पोर्ट के इंटरकनेक्शन के बारे में बताएगा? दैट इज आउटपुट पोर्ट के कनेक्शन के बारे में बताएगा। अगर आप दो टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज इंटरकनेक्शन में कनेक्ट कर देते हैं तो कौन से पैरामीटर ओवरऑल जो टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा, जब दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को आप सीरीज इंटरकनेक्शन में कनेक्ट करते हो, जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बने उसके कौन से पैरामीटर निकालना आसान होगा? ठीक है, अब देखो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कैसे याद रखूंगे। सीरीज कनेक्शन में हम किस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं? सीरीज कनेक्शन में कौन सी इक्वेशन आपकी एग्जिट करती है? केवीएल इक्वेशन। तो देखो पहला आपका कौन सा कनेक्शन है? सीरीज। सीरीज कनेक्शन में कौन सी इक्वेशन आपकी एग्जिस्ट करेगी? केवीएल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? केवीएल इक्वेशन। फिर आउटपुट पोर्ट को भी किसमें कनेक्ट किया? सीरीज कनेक्शन में। सीरीज कनेक्शन में कौन सी इक्वेशन आपकी एग्जिस्ट करती है? केवीएल इक्वेशन। अच्छा, केवीएल इक्वेशन जो होती है वो किसकी इक्वेशन होती है? वोल्टेज की इक्वेशन होती है। दिस इज नथिंग बट द इसकी इक्वेशन होती है, वोल्टेज की इक्वेशन होती है। और बेटा जो केवीएल इक्वेशन होती है वो कौन सी इक्वेशन होती है? दैट इज वोल्टेज की इक्वेशन होती है। तो यहां पर आपको ये दिखना चाहिए कि आप देखेंगे कि जब आप दो टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज इंटरकनेक्शन में कनेक्ट करेंगे तो कौन सा ओवरऑल, जब आप दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे तो जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क है उसके कौन से पैरामीटर निकालना था? कौन सा ऐसा पैरामीटर जिसमें दोनों इक्वेशन वोल्टेज की इक्वेशन होती है? हेलो, कौन सा ऐसा पैरामीटर होता है टू पोर्ट नेटवर्क में जिसमें दोनों इक्वेशन वोल्टेज की इक्वेशन होती है? कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसमें दोनों इक्वेशन वोल्टेज की होती है? कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसमें दोनों इक्वेशन वोल्टेज की होती है? दैट इज नथिंग बट द जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर में आप क्या करते हैं? V1 और V2 को I1 और I2 के फॉर्म पे लिखते हैं। दोनों इक्वेशन किसकी होती है? वोल्टेज की होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब भी दो टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे तो बेटा सीरीज कनेक्शन में अगर दो टू पोर्ट नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे तो जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा उसके कौन से पैरामीटर निकालना आसान होगा? जेड पैरामीटर निकालना आसान होगा। होगा किस कनेक्शन में? इन सीरीज कनेक्शन में। कौन से पैरामीटर? जेड पैरामीटर। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने की, नहीं तो फिर रटते रहना कि अगर दो टू पोर्ट नेटवर्क को आप इनपुट और आउटपुट पोर्ट में सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे तो जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा उसके जेड पैरामीटर आप एक सेकंड में निकाल सकते हैं। जेड पैरामीटर आप एक सेकंड में निकाल सकते हैं। मैं फिगर की हेल्प से बनाने की कोशिश करूंगा, अभी पहले आप इतना लिखिए। ये तरीका है कैसे आप निकालेंगे जेड पैरामीटर ओवरऑल के, वो अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा, फिर एक ही का डेरिवेशन कराऊंगा, बाकी सबके फिर आपको मैं बता दूंगा कि ऐसा होता है, लेकिन अभी मैं सारे इंटरकनेक्शन आपको बताने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट यू कैन बी टेक द फिगर कि अच्छा सीरीज कनेक्शन है मतलब ऐसा फिगर बनेगा, पैरेलल है तो ऐसा फिगर बनेगा, सीरीज पैरेलल है तो कैसे आप कनेक्ट करेंगे, दैट इज कनेक्शन बनाना पहले सीख रहे हैं। हो गया हो तो आगे बढ़े, अगर हो गया हो तो आगे बढ़े, अगर हो गया हो तो आगे बढ़े।
मेरे ख्याल से सभी ने लिख लिया होगा, ठीक है, चल मेरे ख्याल से हो गया है। अब देखो कैसे हम लोग जेड पैरामीटर निकालेंगे, मैं अभी बता देता हूँ, डेरिवेशन कराऊंगा, अभी मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा, अभी मैं आपको केवल इंटरकनेक्शन कैसे कनेक्ट करते हैं। देखो आपको क्वेश्चन में दो टू पोर्ट नेटवर्क देगा, हेलो, आपको आपके क्वेश्चन में दो टू पोर्ट नेटवर्क देगा, पहला वाला टू पोर्ट नेटवर्क देगा, दूसरा वाला टू पोर्ट नेटवर्क देगा, ठीक है। अगर आपके पास दो टू पोर्ट नेटवर्क आपको देगा और इन दोनों के अगर आपको जेड पैरामीटर मालूम है, ध्यान से देखिए, अगर आपके पास दो टू पोर्ट नेटवर्क है और अगर उनके जेड पैरामीटर आपको मालूम है, पहले टू पोर्ट नेटवर्क के भी जेड पैरामीटर मालूम है, दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के भी जेड पैरामीटर मालूम है। मैंने बोला कि जब भी आपको इंटरकनेक्शन वाला क्वेश्चन देगा तो आपको पहले टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में भी बताएगा और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में बताएगा। पहले टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर आपको बता देगा, दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क को के जेड पैरामीटर आपको बता देगा। अगर आपको दो टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर मालूम है और दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क को आपने सीरीज सीरीज इंटरकनेक्शन में कनेक्ट कर दिया तो जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा, इस ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के जो जेड पैरामीटर मैट्रिक्स होगा वो आपके पहले और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर मैट्रिक्स के सम के बराबर होगा। मतलब आपको पहले टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर मालूम होंगे, नहीं मालूम होंगे तो आपको फिगर देगा, आप इसके जेड पैरामीटर निकाल लेंगे। दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क उसके भी जेड पैरामीटर देगा या फिर सर्किट देगा, उसके भी जेड पैरामीटर आप निकाल लेंगे। अगर आपके पास दो टू पोर्ट नेटवर्क हैं जिनके आपको जेड पैरामीटर मालूम है, अगर आप इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज सीरीज इंटरकनेक्शन में कनेक्ट करेंगे, सीरीज सीरीज इंटरकनेक्शन में कनेक्ट करने के बाद ये जो मेरे पास ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क होगा, इसके जो जेड पैरामीटर होंगे वो पहले टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर मैट्रिक्स और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर मैट्रिक्स के सम के बराबर। मतलब इन दोनों के जेड पैरामीटर मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर मैट्रिक्स आ जाएंगे। लेकिन ये रिजल्ट कब वैलिड है? जब आप दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज सीरीज इंटरकनेक्शन में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कैसे आएगा? डेरिवेशन करेंगे, लेकिन ये रिजल्ट 100% ट्रू है जो मैंने बोला है कि अगर दो टू पोर्ट नेटवर्क आपके पास हैं, दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के अगर आपको जेड पैरामीटर मालूम है तो अगर मैं दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को आपके सीरीज सीरीज इंटरकनेक्शन में कनेक्ट कर दूंगा तो जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा उसके जो जेड पैरामीटर मैट्रिक्स होगा वो आपके दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर मैट्रिक्स के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो दैट इज आप इंटरकनेक्शन में हमेशा ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर पूछेगा, ठीक है। और जेड पैरामीटर आप कब बता सकते हैं? जब सीरीज सीरीज इंटरकनेक्शन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैरेलल पैरेलल इंटरकनेक्शन। पैरेलल पैरेलल इंटरकनेक्शन, अगर मैं दो टू पोर्ट नेटवर्क को पैरेलल पैरेलल इंटरकनेक्शन में कनेक्ट कर दूंगा तो जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा उसके वाई पैरामीटर मैट्रिक्स आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। तब अगर आप अपने दो टू पोर्ट नेटवर्क को पैरेलल पैरेलल इंटरकनेक्शन में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल पैरेलल इंटरकनेक्शन में कनेक्ट करने के बाद जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क है उसके वाई पैरामीटर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और कितना होगा? दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के वाई पैरामीटर मैट्रिक्स के सम के बराबर ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के वाई पैरामीटर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंटरकनेक्शन लिखिए, कैसे बनाते हैं ये देखना है, क्योंकि ये चीज आपको क्वेश्चन में देगा नहीं। इंटरकनेक्शन आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा ये पैरेलल पैरेलल है, इसलिए मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं। सर लेट हो गया है कि सर कितना पेज छोड़ दें? अच्छा लेट हो गया है, लेट की स्पेलिंग ये नहीं होती है, लेटी होती है, और ये लेट होता है। आप जो है दो पेज या तीन पेज छोड़ दो बेटा। नेक्स्ट की बात करते हैं पैरेलल पैरेलल इंटरकनेक्शन। पैरेलल पैरेलल इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स। अब मैं दो टू पोर्ट नेटवर्क को
पैरेलल पैरेलल इंटरकनेक्शन में कनेक्ट जा रहा हूं। पहला लेटर किस पोर्ट के बारे में बताएगा? पहला लेटर बताएगा आपके इनपुट पोर्ट के इंटरकनेक्शन के बारे में। दिस इज टेल्स अबाउट इनपुट पोर्ट कनेक्शन, इनपुट पोर्ट कनेक्शन, ठीक है। दैट इज पहला इंटरकनेक्शन बताएगा, जो पहला लेटर है वो किसके बारे में, किस टाइप, किस पोर्ट, आपके दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के इंटरकनेक्शन। तो आप देखेंगे पैरेलल पैरेलल इंटरकनेक्शन में जो पहला लेटर है वो बता रहा है कि दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट्स को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है। पैरेलल में क्या चीज सेम होता है? वोल्टेज। तो अगर दो टू पोर्ट नेटवर्क के दोनों ही इनपुट पोर्ट पे समान वोल्टेज अपीयर होगा, अगर दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पे समान वोल्टेज अपीयर होगा तो दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट किस कनेक्शन में होंगे? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं ये देखना है, ठीक है। अगर मैं दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट को पैरेलल में कनेक्ट करना चाहता हूं तो कैसे कनेक्ट करूंगा, ठीक है। दूसरा लेटर होगा वो बेटा आउटपुट पोर्ट के इंटरकनेक्शन के बारे में बताएगा कि आउटपुट पोर्ट के जो टर्मिनल्स हैं वो आपके किसमें कनेक्ट है? पैरेलल कनेक्शन में। दिस इज टेल्स अबाउट आउटपुट पोर्ट कनेक्शन, टेल्स अबाउट आउटपुट पोर्ट कनेक्शन, ठीक है। तो इस बार आपको क्या करना है, दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट्स को भी पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करना है और आउटपुट पोर्ट्स को भी पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करना है, ठीक है। मैं कनेक्ट करके दिखा रहा हूं कैसे कनेक्ट करते हैं। कैसे, कब हम मानेंगे कि दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट भी पैरेलल में, आउटपुट पोर्ट भी पैरेलल में, ठीक है। आपको ये मालूम है कि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होता है, तो अगर दोनों के इनपुट पोर्ट्स पैरेलल कनेक्शन में है तो दोनों ही इनपुट पोर्ट के अक्रॉस समान वोल्टेज अपीयर होना चाहिए। सीरीज में दोनों ही इनपुट पोर्ट के इनपुट टर्मिनल में सेम करंट फ्लो कर, सेम करंट मतलब सीरीज कनेक्शन, सेम वोल्टेज का मतलब पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। चलिए इतना लिख लिया होगा तो हम लोग कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। और आपको मालूम है कि पैरेलल कनेक्शन में करंट अलग अलग होता है लेकिन वोल्टेज समान होता है, ठीक है। तो यहां पर करंट अलग अलग होगा। चलिए बनाते हैं, अब जरा ध्यान से देखेंगे इंटरकनेक्शन को। मैं दो टू पोर्ट नेटवर्क ले रहा हूं बेटा, दिस इज फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क, दिस इज फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क एंड दिस इज सेकेंड टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। दो टू पोर्ट मैंने नेटवर्क ले लिए, ध्यान से देखिएगा ये पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के टर्मिनल है। नाउ ये दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के टर्मिनल है, ये आपके दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के टर्मिनल है, ये दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के टर्मिनल है, ठीक है। दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के टर्मिनल को मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना है, दोनों के आउटपुट पोर्ट के टर्मिनल को मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना है। जब मैं बेटा इन दोनों का इंटरकनेक्शन कर दूंगा तो ओवरऑल जो नेटवर्क बनेगा वो भी कैसा नेटवर्क बनेगा? एक टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा। हेलो, जब मैं इन दोनों का इंटरकनेक्शन कर दूंगा इनपुट और आउटपुट पोर्ट का तो जो ओवरऑल नेटवर्क बनेगा वो भी आपका एक टू पोर्ट नेटवर्क होगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं दोनों के इनपुट पोर्ट को पैरेलल में कनेक्ट करना है। पैरेलल का मतलब होगा दोनों के इनपुट पोर्ट पैरेलल में कनेक्ट तभी होंगे जब दोनों के इनपुट पोर्ट पे समान वोल्टेज होगा। हेलो, यहां भी V1 होना चाहिए, यहां भी V1। अगर दोनों के इनपुट पोर्ट पे समान वोल्टेज अपीयर हो गया तो दोनों के इनपुट पोर्ट्स आपके पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट होंगे, ठीक है। चलिए मैं कनेक्ट करके दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा।
नाउ दिस इज नथिंग बट ये ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के टर्मिनल है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब दो टू पोर्ट नेटवर्क आप इंटरकनेक्शन करते हैं तो ओवरऑल जो नेटवर्क बनता है वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क होगा। तो जब मैं इनका इंटरकनेक्शन कर दूंगा तो जो ओवरऑल नेटवर्क बनेगा ये उसके इनपुट पोर्ट के टर्मिनल है। इनपुट पोर्ट के टर्मिनल में आपको मालूम है कितना वोल्टेज मानते थे, V1 मानते थे। और जो ओवरऑल इन दोनों का इंटरकनेक्शन के करने के बाद जो ओवरऑल सर्किट बनेगा वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क होगा। ये ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क जो बनेगा उसके आउटपुट पोर्ट के टर्मिनल, ठीक है। चलो अब आप देखेंगे पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या होता था। अगर आप दो ब्रांच को पैरेलल में कनेक्ट करना चाहते हैं, दो ब्रांच को अगर पैरेलल में कनेक्ट करना चाहते हैं तो दोनों के एक एक टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और बेटा दोनों के दूसरे दूसरे टर्मिनल को दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं दोनों के इनपुट पोर्ट को किसमें कनेक्ट करना चाहता हूं, पैरेलल। पैरेलल की वोल्टेज समान होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के एक एक टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट है। दिस इज ए वन कॉमन पॉइंट, हेलो, दिस इज ए वन कॉमन पॉइंट, ठीक है। बस इस कॉमन पॉइंट को मैंने शॉर्ट सर्किट से आगे कर दिया। शॉर्ट सर्किट से एक्सटेंड करने का मतलब कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट सर्किट मतलब सेम पोटेंशियल पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों के इनपुट पोर्ट को मुझे किसमें कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। दोनों के इनपुट पोर्ट को पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के एक एक पहले पहले टर्मिनल को, दोनों के पहले पहले एक एक टर्मिनल, पहले पहले टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट करने जा रहा हूं दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के पहले पहले टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करूंगा। पहले टू पोर्ट नेटवर्क के पहले टर्मिनल को भी मैंने इस कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के पहले टर्मिनल को भी मैंने इस कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे आप, जो है पहले टू पोर्ट नेटवर्क के दूसरे टर्मिनल और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के भी दूसरे टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने जा रहा हूं दूसरे पहले टू पोर्ट नेटवर्क के दूसरे टर्मिनल और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के दूसरे टर्मिनल को भी आप एक कॉमन पॉइंट से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के दूसरे दूसरे टर्मिनल को भी आप एक कॉमन पॉइंट से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। पहले टू पोर्ट नेटवर्क के दूसरे टर्मिनल को मैंने इस कॉमन पॉइंट से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के भी दूसरे टर्मिनल को मैंने इस कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। और जैसे ही आप जो है पहले टू पोर्ट, जैसे ही आप पहले टू पोर्ट और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के पहले पहले टर्मिनल को इस कॉमन पॉइंट से और दूसरे दूसरे टर्मिनल को इस कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे तो दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट किस कनेक्शन में आ जाएंगे, पैरेलल कनेक्शन में। पैरेलल कनेक्शन में आने का मतलब कि जितना वोल्टेज पहले पोर्ट के टर्मिनल के क्रॉस अपीयर होगा उतना ही दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के टर्मिनल के क्रॉस अपीयर होगा, वोल्टेज समान वोल्टेज अपीयर होगा। तो आप देखेंगे कि मैंने दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के, हेलो, दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट्स को मैंने क्या कर दिया, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट कर दिया। अगर ये पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट होंगे तो दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, समान होगा, ठीक है। चलो वोल्टेज देख लेते हैं क्या दोनों ही टर्मिनल, दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पे समान वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। इनपुट पोर्ट पे के बारे में बात करें, इनपुट पोर्ट के टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज देखना है तो इनपुट टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज कितना मानते थे, V1 मानते थे, हेलो, कितना वोल्टेज मानते थे, V1। तो यहां पर मैंने V1 वोल्टेज माना। ध्यान से देखिएगा बेटा, वोल्टेज देख रहा हूं, इनपुट पोर्ट के वोल्टेज देख रहा हूं तो V1 ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब ध्यान से देखिए, ये शॉर्ट सर्किट है क्या, बिल्कुल ये शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट मतलब जो पोटेंशियल इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस होगा सेम पोटेंशियल यहां भी अपीयर होगा, तो यहां भी कितना वोल्टेज आएगा, V1। ध्यान से देखते जाइएगा, ध्यान से देखते जाइएगा, दिस इज आल्सो V1, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस कितना वोल्टेज है, V1 है। इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस कितना वोल्टेज है, V1। और ये बेटा शॉर्ट सर्किट है,
ये शॉर्ट सर्किट है और ये भी कैसा है, शॉर्ट सर्किट है। तो अगर इन दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल क्या है, सेम है, और आगे आपने क्या किया है बेटा, इस पॉइंट को शॉर्ट सर्किट से एक्सटेंड किया है, शॉर्ट सर्किट, ये पॉइंट ये देखो शॉर्ट सर्किट से एक्सटेंड हुआ, ये पॉइंट भी शॉर्ट सर्किट से एक्सटेंड हुआ। तो अगर इन दोनों पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज V1 है तो इन दोनों पॉइंट के क्रॉस भी वोल्टेज कितना आएगा, V1। अब क्लास नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं कि ये पूरा का पूरा जो वोल्टेज है वो अपीयर होगा इनपुट टर्मिनल के क्रॉस V1, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इस टर्मिनल को आपने शॉर्ट सर्किट से आगे बढ़ाया, इस टर्मिनल को भी आपने शॉर्ट सर्किट से आगे बढ़ाया, इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस V1 वोल्टेज है तो इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा, V1 वोल्टेज आएगा, कितना वोल्टेज आएगा, V1 वोल्टेज आएगा। तो पहले टू पोर्ट नेटवर्क के, पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल के क्रॉस कितना वोल्टेज आ गया, V1। अब मैं दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज देखूंगा, यहां पर देखिए, यहां पर आपने क्या किया, इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस कितना वोल्टेज है, V1। इस पॉइंट को आपने शॉर्ट सर्किट से एक्सटेंड किया, शॉर्ट सर्किट मतलब सेम पोटेंशियल पॉइंट, और इस पॉइंट को भी आपने शॉर्ट सर्किट से एक्सटेंड किया मतलब सेम पोटेंशियल पॉइंट। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में V1 पोटेंशियल है तो इन दोनों पॉइंट के बीच में भी कितना पोटेंशियल आएगा, V1 पोटेंशियल आएगा, कितना पोटेंशियल आएगा, V1 वोल्टेज आएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के क्रॉस कितना वोल्टेज है, इसके क्रॉस भी V1 है, इसके क्रॉस भी V1 है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग, दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के टर्मिनल के क्रॉस सेम वोल्टेज है, इसलिए दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट किस कनेक्शन में है, दैट इज पैरेलल कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है। दोनों के इनपुट पोर्ट्स को आपने किस कनेक्शन में कनेक्ट किया है, पैरेलल कनेक्शन में। पैरेलल कनेक्शन में अगर आप पोर्ट्स को कनेक्ट करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट करना चाहता हूं तो पहले टू पोर्ट और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के पहले पहले टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए और दूसरे दूसरे टर्मिनल को दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप दोनों के पहले पहले टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से, दूसरे दूसरे टर्मिनल को दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, दोनों के जो पोर्ट होंगे वो आपके पैरेलल कनेक्शन में रहेंगे। उसी तरह आउटपुट पोर्ट्स को भी किसमें कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है ना। दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट को अगर पैरेलल में कनेक्ट करना चाहते हैं तो पहले टू पोर्ट नेटवर्क के पहले टर्मिनल और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के पहले टर्मिनल को आप क्या कर दीजिए, ये आप देखे बाहर आउट, दैट इज पहले टर्मिनल और पहले टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से, दूसरे टर्मिनल दूसरे टर्मिनल को दूसरे कॉमन पॉइंट से। तो आप क्या करेंगे, आप पहले टू पोर्ट नेटवर्क और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट को भी पैरेलल में कनेक्ट करना चाहते हैं तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए पहले टू पोर्ट नेटवर्क के पहले टर्मिनल और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के भी पहले टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। तो बेटा मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, आउटपुट पोर्ट के टर्मिनल को भी आप क्या करने वाले हैं, पैरेलल में कनेक्ट करने वाले। पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आउटपुट पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट टर्मिनल के पहले टू पोर्ट नेटवर्क के पहले टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के भी पहले टर्मिनल को सेम कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। नाउ कनेक्ट कर दिया बेटा, पहले पहले टर्मिनल को दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के पहले पहले टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और दूसरे दूसरे टर्मिनल को दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करना है। नाउ दूसरे दूसरे टर्मिनल को आपको दोनों के दूसरे दूसरे टर्मिनल को दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करना है। पहले वाले का ये दूसरा टर्मिनल है, ये दूसरे वाले का दूसरा टर्मिनल है, दोनों के दूसरे दूसरे टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कनेक्ट कर लिए। और जैसे ही आप बेटा पहले 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 टू पोर्ट नेटवर्क और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के पहले पहले टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से और दूसरे दूसरे टर्मिनल को दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, दोनों के आउटपुट पोर्ट भी किसमें रहेंगे, पैरेलल। पैरेलल मतलब वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो देख लेते हैं आउटपुट पोर्ट के बारे में बात करें तो आउटपुट पोर्ट में कितना रेफरेंस वोल्टेज मानते थे, V2। कितना वोल्टेज मानते थे, V2 प्लस माइनस। अब आपको दिख रहा होगा ये शॉर्ट सर्किट है, ये भी शॉर्ट सर्किट, सेम पॉइंट। अगर इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस V2 वोल्टेज तो इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा, V2 ही आएगा। This is plus minus. अब आगे देखो ये शॉर्ट है, हेलो ये शॉर्ट है और ये शॉर्ट है। इन दोनों पॉइंट को आगे शॉर्ट सर्किट से एक्सटेंड के, इन दोनों पॉइंट के क्रॉस V2 वोल्टेज है तो इन दोनों पॉइंट के क्रॉस शॉर्ट सर्किट से आगे बढ़े, इन दोनों पॉइंट के क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा,
वी टू ही आएगा, दिस इज प्लस माइनस, कितना आएगा वी टू, ठीक है। और बेटा दूसरे टू पोर्ट में आप देखेंगे ये भी शॉर्ट सर्किट से एक्सटेंड है, ये भी शॉर्ट सर्किट, इन दोनों पॉइंट के क्रॉस वी टू, तो इन दोनों पॉइंट के क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा, वी टू ही आएगा, दिस इज अगेन प्लस माइनस वी टू, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के, हेलो, दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के क्रॉस सेम वोल्टेज आ रहा है, सेम वोल्टेज आ रहा है, मतलब दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट टर्मिनल्स को या फिर आउटपुट पोर्ट्स को भी आपने किस कनेक्शन में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल कनेक्शन। तो आपके दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल्स या फिर इनपुट पोर्ट भी पैरेलल में और आउटपुट पोर्ट भी पैरेलल में, तो दिस इज नथिंग बट द पैरेलल पैरेलल इंटरकनेक्शन, तो दिस इज पैरेलल पैरेलल इंटरकनेक्शन। अब आप देखेंगे वोल्टेज तो आपने, अच्छा ये बताइए, जब मैं दोनों, ध्यान से देखिए, जब मैं दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को पैरेलल पैरेलल इंटरकनेक्शन में कनेक्ट करूंगा, तो दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क को पैरेलल पैरेलल इंटरकनेक्शन में कनेक्ट करने के बाद ओवरऑल जो नेटवर्क बनेगा, ओवरऑल जो नेटवर्क बनेगा, क्या वो भी एक टू पोर्ट है क्या, उसमें भी दो पोर्ट है। तो जब मैं दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को पैरेलल पैरेलल इंटरकनेक्शन में कनेक्ट कर दूंगा, तो पैरेलल पैरेलल इंटरकनेक्शन में कनेक्ट करने के बाद भी जो ओवरऑल नेटवर्क बनेगा वो भी एक टू पोर्ट होगा। तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क, ये आपका जो है ये क्या है, ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क का इनपुट पोर्ट है और ये आपका आउटपुट पोर्ट है। अगर आप ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के वोल्टेज को V1 मान रहे हैं और ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट वोल्टेज को V2 मान रहे हैं, करंट मान लेते हैं, ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल में आप I1 करंट मान रहे हैं, एक से I1 जा रहा है तो दूसरे से I1 लीव करेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, तो करंट दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क में जो इनपुट करंट होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन वोल्टेज दोनों के इनपुट टर्मिनल में समान है, तो कि पैरेलल। ध्यान से देखिए आई वन करंट कैसे फ्लो करेगा, हेलो, यहां से आई वन करंट आएगा और आई वन करंट आने के बाद इन दोनों ब्रांच में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहां पर ये जो आई वन करंट है ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क से आई वन करंट आएगा और इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। मान लेता हूं कि यहां पर कितना करंट चला जाएगा, इनपुट पोर्ट में ही जा रहा है, तो दिस इज आई वन डैश और यहां पर I1 डबल डैश। ध्यान से देखते जाइएगा तो आप देखेंगे पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पे कितना करंट इन करेगा, I1 डैश, क्योंकि ये पोर्ट है, एक पोर्ट के एक टर्मिनल जितना करंट इन करेगा उतना ही लीव भी करेगा। तो नाउ I1 डैश यहां से फ्लो करेगा, ये I1 डैश फ्लो करते करते पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के एक टर्मिनल में I1 डैश इन करेगा। और अगर बेटा I1 डैश यहां से इन करेगा तो दूसरे टर्मिनल से कितना करंट लीव करेगा, यहां से I1 डैश, दिस इज I1 डैश, ये I1 डैश यहां से फ्लो करता करता ऐसे फ्लो करेगा, तो I1 डैश ऐसे आएगा। I2 डैश को देखते हैं, यहां पर I करंट डिवाइड हुआ था, I1 डैश यहां गया था, I1 डबल डैश यहां गया था। अब ये देखो I1 डबल डैश यहां से होता हुआ दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के एक टर्मिनल में कितना करंट इन करेगा, I1 डबल डैश, दिस इज I1 डबल डैश, दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के एक टर्मिनल में I1 डबल डैश इन करेगा, तो दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के दूसरे टर्मिनल से कितना करंट लीव करेगा, I1 डबल डैश, और यहां से जो I1 डबल डैश है यहां से होता हुआ ऐसे फ्लो करेगा। नाउ दिस इज हेलो I1 डबल डैश, अब ध्यान से देखना, यहां से I1 डबल डैश आ रहा है, यहां से I1 डैश आ रहा है, दोनों मिलके फिर से कितना करंट बनाते हैं, I1 करंट बना रहे, क्योंकि I1 क्या है, किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग, जाने वाली, I1 डैश और I1 डबल डैश मिलके कितना करंट बना रहे, I1 करंट बना रहा। तो यहां से I1 डैश आया, यहां से I1 डबल डैश आया, दोनों मिलके फिर से कितना करंट बना रहे, I1 करंट, तो एक टर्मिनल से जितना करंट इन किया था उतना ही लीव किया, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे ऐसे करंट फ्लो करेगा, क्योंकि दोनों के इनपुट पोर्ट आपके पैरेलल में, इसलिए पैरेलल में है, तो इनपुट, अगर दोनों के इनपुट पोर्ट पैरेलल में, दोनों के इनपुट पोर्ट में वोल्टेज समान है लेकिन करंट कैसा है, एक में इनपुट पोर्ट पे I1 डैश और एक में I1 डबल, करंट अलग अलग होता है पैरेलल में, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, अलग अलग करंट फ्लो करता है। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो आपने ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पे वोल्टेज V1 माना है, करंट I1 माना है, ओवरऑल जो टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा उसके आउटपुट पोर्ट में V2 वोल्टेज माना है, करंट कितना मानते हैं आउटपुट पोर्ट में, I2 मानते हैं, I2 करंट, अगर एक टर्मिनल से I2 करंट जा रहा है तो
पोर्ट के दूसरे टर्मिनल से आई टू करंट क्या भी करेगा लीव। अब जरा आई टू देखते हैं कैसे कैसे फ्लो करेगा। यह आई टू करंट आएगा, ये आई टू करंट आने के बाद इस दोनों नोड में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहां पर मान लेते हैं आई टू डैश जाएगा और यहां पर मान लेते हैं कितना जाएगा, आई टू डबल डैश चला जाएगा। अब जरा देखो दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट टर्मिनल में कितना करंट आएगा, जैसे यहां से आई टू डैश आएगा और ये आई टू डैश फ्लो करेगा। तो पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के एक टर्मिनल में कितना करंट आएगा, आई टू डैश, क्योंकि ये पेयर ऑफ टर्मिनल पोर्ट है। तो अगर एक टर्मिनल से आई टू डैश करंट इन करा तो दूसरे टर्मिनल से कितना करंट लीव करेगा, आई टू डैश लीव कर जाएगा, यहां से आई टू डैश लीव करेगा। ये आई टू डैश लीव करते करते ऐसे फ्लो करेगा, रेड वाले से लौटेगा, यहां से आ रहा है आई टू डैश। अब आई टू डबल डैश के बारे में देखते हैं, यहां से आई टू आया था, आई टू डैश यहां गया था, आई टू डबल डैश, ये आई टू डबल डैश ऐसे फ्लो करेगा। तो दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के एक टर्मिनल में कितना करंट इन करेगा, दिस इज आई टू डबल डैश, आई टू डबल डैश करंट क्या करेगा, इन करेगा, क्योंकि पेयर ऑफ टर्मिनल पोर्ट है। तो एक टर्मिनल से अगर आई टू डबल डैश करंट इन कर रहा है तो दूसरे से कितना आउट होगा, आई टू डबल डैश क्या होगा, आउट होगा आई टू डबल डैश। ये आई टू डबल डैश यहां से होता हुआ इस रेड वाले से लौट जाएगा, दिस इज द आई टू डबल डैश, यहां से लौट जाएगा। और यहां से देखेंगे इस रेड वाले से आ रहा है आई टू डैश और इससे आ रहा है आई टू डबल डैश, दोनों मिलके फिर से कितना करंट बना लेंगे, आई टू करंट बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने एक आपको इंटरकनेक्शन बना के दिखाया है कि दो टू पोर्ट नेटवर्क को पैरेलल पैरेलल कनेक्शन में कैसे कनेक्ट करते हैं। और पैरेलल कनेक्शन में आपके पोर्ट पैरेलल में तब होंगे जब दोनों ही पोर्ट के टर्मिनल के क्रॉस सेम वोल्टेज आएगा, लेकिन करंट अलग अलग होगा। सीरीज में करंट सेम होगा लेकिन वोल्टेज कैसा होगा, अलग अलग होगा, ठीक। वॉइस बहुत कम आ रही है क्या, क्या वॉइस में कोई दिक्कत है क्या, क्या वॉइस में, वॉइस तो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, ठीक है। चलिए तो बेटा इसको बना लीजिए, उसके बाद शॉर्टकट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जब आप दो टू पोर्ट नेटवर्क को पैरेलल पैरेलल, जब मैं दो टू पोर्ट नेटवर्क को पैरेलल पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करूंगा, दो टू पोर्ट नेटवर्क को पैरेलल पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करने के बाद जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा, ये जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क है उसके कौन से पैरामीटर निकालना आसान, ठीक है। चल नोट करिए, इतना ध्यान से पढ़िएगा, ये सब चीजें कोई बताता नहीं है, जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं दैट इज द एडवांस थिंग, इसे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि क्वेश्चन होंगे। पैरेलल पैरेलल कनेक्शन में कौन से पैरामीटर निकालना आसान होगा ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के, आइडिया बताओ कुछ। जो ट्रिक मैंने बताई थी उसी ट्रिक से वाई पैरामीटर निकालना आसान होगा, बिल्कुल बिल्कुल वाई पैरामीटर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बाद में देखेंगे, अभी आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ छह पैरामीटर निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखेंगे अभी। अगर ही दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट इनपुट टर्मिनल में सेम वोल्टेज, आउटपुट आउटपुट टर्मिनल में सेम वोल्टेज, तो दैट इज नथिंग बट द दोनों टू पोर्ट नेटवर्क पैरेलल पैरेलल कनेक्शन। और दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट में भी सेम करंट, आउटपुट पोर्ट में भी सेम करंट, तो दोनों के ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट और आउटपुट आपके सीरीज सीरीज कनेक्शन में, सीरीज के लिए करंट सेम और पैरेलल के लिए वोल्टेज सेम, ठीक है। मेरे ख्याल से बना लिया होगा, डन हो गया हो तो आगे चले, शॉर्टकट लिख लेते हैं थोड़ा सा, कौन से पैरामीटर निकालना आसान हो। चलो मेरे ख्याल से हो गया है, रिप्लाई करते रहो, सोया ना करो तुम लोग। चलिए आगे चलते हैं, अब जरा बात करते हैं पैरेलल पैरेलल कनेक्शन में कौन से पैरामीटर निकालना आसान हो। पैरेलल पैरेलल कनेक्शन के बारे में बात करें, पैरेलल पैरेलल कनेक्शन लिख रहा हूं लेकिन मैं इंटरकनेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, पैरेलल पैरेलल इंटरकनेक्शन। अगर दो टू पोर्ट नेटवर्क को
आप इनपुट और आउटपुट दोनों ही पोर्ट को पैरेलल पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट कर देते हो तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के कौन से पैरामीटर निकालना सरल है। पहला पैरेलल जो है किसके बारे में बता रहा है, दिस इज नथिंग बट द इनपुट पोर्ट के इंटरकनेक्शन के बारे में बता रहा है। दिस इज टेल्स अबाउट इनपुट पोर्ट कनेक्शन के बारे में बता रहा है। और बेटा दूसरा जो आपका लेटर है वो किस साइड के कनेक्शन के बारे में बता रहा है, आउटपुट पोर्ट के कनेक्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन में कौन सी इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। हेलो, पैरेलल कनेक्शन में कौन सी इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, KCL। पैरेलल कनेक्शन में कौन सी इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, KCL इक्वेशन। KCL इक्वेशन किसकी इक्वेशन होती है, करंट की इक्वेशन होती है। किसकी इक्वेशन होती है बेटा, करंट की इक्वेशन होती है। KCL इक्वेशन किसकी होती है बेटा, करंट की इक्वेशन। तो कौन सा ऐसा टू पोर्ट पैरामीटर है जिसमें दोनों ही इक्वेशन करंट की होती है, कौन सा ऐसा टू पोर्ट पैरामीटर है जिसमें दोनों इक्वेशन करंट की होती है। तो करंट की दोनों इक्वेशन होती है वाई पैरामीटर में। अगर आपको किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के वाई पैरामीटर मालूम है तो आप आई वन और आई टू की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मतलब वाई पैरामीटर निकालना क्या होगा, आसान होगा इन द केस ऑफ पैरेलल पैरेलल कनेक्शन। तो यहां लिख देते हैं वाई पैरामीटर कैलकुलेट करना आसान होता है पैरेलल पैरेलल इंटरकनेक्शन। कैसे होता है वो अभी देखेंगे बाद में। मतलब जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क होगा उसके वाई पैरामीटर आप डायरेक्टली निकाल लें, कितने होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं, डेरिवेशन से आ जाएगा वो। पहले इतना लिख लो तुम लोग। तो यहां पर आप देखिए कि जब आप पैरेलल पैरेलल इंटरकनेक्शन करते हैं, क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन होगा जो एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, लेकिन कनेक्शन अगर आपको आइडिया है कि अच्छा दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट में समान वोल्टेज है, दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट में समान वोल्टेज है, तो इसका मतलब दोनों पैरेलल पैरेलल कनेक्शन में है और पैरेलल पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट है तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के कौन से पैरामीटर निकाल सकते हैं। तो देखेंगे कि अगर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है जिसके वाई पैरामीटर मालूम है, दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के भी वाई पैरामीटर मालूम है, तो जब इन दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के अगर आपको वाई पैरामीटर मालूम है और इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को आप पैरेलल पैरेलल मतलब इनपुट पोर्ट को भी पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं और आउटपुट पोर्ट को भी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा, ये जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा
उसके वाई पैरामीटर आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के जो वाई पैरामीटर होंगे इन दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के वाई पैरामीटर मैट्रिक्स के सम के बराबर होंगे। मतलब अगर आप इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के वाई पैरामीटर मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर देंगे तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के वाई पैरामीटर मैट्रिक्स आ जाएंगे। ठीक है, एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, अभी क्लास ले जाऊंगा। ठीक है, चलिए तीसरा इंटरकनेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि जब भी जो है अगर आपके पास दो टू पोर्ट नेटवर्क हैं, दिस इज द फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क, दिस इज द सेकंड टू पोर्ट नेटवर्क। पहले टू पोर्ट नेटवर्क के वाई कनेक्शन आपको मालूम है, दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के वाई पैरामीटर, पहले की भी वाई मालूम होने चाहिए, दूसरे की भी वाई मालूम होने चाहिए। अगर दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के वाई पैरामीटर मैट्रिक्स, वाई पैरामीटर मालूम है या फिर वाई पैरामीटर का मालूम, तो वाई पैरामीटर मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो अगर दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के वाई पैरामीटर मालूम है, इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को जब आप पैरेलल पैरेलल इंटरकनेक्शन में कनेक्ट कर देंगे तो जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा उसके वाई पैरामीटर मैट्रिक्स जो होंगे वो इन दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के वाई पैरामीटर मैट्रिक्स के सम के बराबर होंगे। मतलब दोनों के वाई पैरामीटर मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिएगा तो किसके वाई पैरामीटर आ जाएंगे, ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के आ जाएंगे। वाई पैरामीटर डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है आपका तीसरा इंटरकनेक्शन हो सकता है सीरीज पैरेलल इंटरकनेक्शन। दो टू पोर्ट नेटवर्क को इस बार मैं सीरीज पैरेलल इंटरकनेक्शन में कनेक्ट करूंगा। सीरीज का मतलब पहला लेटर बताएगा कि इनपुट पोर्ट, दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट को सीरीज में कनेक्ट करना है और दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट को किस में कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना। थर्ड इज सीरीज पैरेलल इंटरकनेक्शन। जब आप दो टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज पैरेलल इंटरकनेक्शन में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल जो टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा उसके कौन से पैरामीटर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इंटर कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स। ठीक है, आप मुझे इसका फिगर बना के दिखाइए सीरीज पैरेलल इंटरकनेक्शन का। सबके कैमरे ओपन होने चाहिए, किसी भी स्टूडेंट का कैमरा बंद नहीं होने चाहिए और मुझे सबके इंटरकनेक्शन देखने हैं। दोनों के इनपुट पोर्ट को आपको सीरीज में कनेक्ट करना है, दोनों के आउटपुट पोर्ट को पैरेलल में कनेक्ट करना है। बनाएं, तरीका मैंने बता रखा है आपको, तरीका मैंने आपको बता रखा है। और नाउ यू वॉन्ट टू कनेक्ट बोथ द टू पोर्ट नेटवर्क इन सीरीज पैरेलल कनेक्शन। पहला लेटर इनपुट पोर्ट के कनेक्शन को बताएगा और दूसरा लेटर आपके आउटपुट पोर्ट के कनेक्शन को बताएगा, और इस कनेक्शन में कौन से पैरामीटर हम जो है आसानी से निकाल सकते हैं, ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के कौन से पैरामीटर आसानी से निकाल सकते हैं। ये सब चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं नॉर्मली इलाहाबाद में कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है, चाहे अगल बगल जितने भी हैं। ठीक है, आपके साथ में कई सारे स्टूडेंट हो जो इधर उधर पढ़े हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसका फायदा आपको मिलेगा कि जब आप कई बड़े बड़े क्वेश्चन दो मिनट में सॉल्व कर लेंगे, जिनको लोग दो दो पेज में सॉल्व करवाते हैं, सेम क्वेश्चन आप दो लाइन में सॉल्व कर लेंगे। हो गया, बनाते जाएं, मैं देख रहा हूं सभी के। सभी के कैमरे ओपन होने चाहिए, अनुज सिंह, अदिति,
मनीषा, हाँ कॉपी अपनी फ्रेंड, हाँ निवेदिता बिल्कुल, हाँ निवेदिता आपका ठीक है, आप अपनी कॉपी के सामने अपना कैमरा रख दें, मैं देख लूंगा। इनपुट साइड का राफिया तुम्हारा ठीक है, ब्रजेश मेरे ख्याल से सभी लोगों ने सही बना लिया है। आपको पहले इंटरकनेक्शन में इसलिए बनवा रहा हूं कि पहले आपको इंटरकनेक्शन बनाना आना चाहिए, उसके बाद तो डेरिवेशन हम लोग कर लेंगे। डेरिवेशन इतना टफ नहीं है, ठीक है, डेरिवेशन जो आपने पढ़ा है उसी हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं भी बनाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि सब लोगों ने बना लिया है, ठीक है। दो टू पोर्ट नेटवर्क को इस बार मुझे सीरीज और पैरेलल इंटरकनेक्शन में कनेक्ट करना है, ठीक है। चलिए अब आप लोग मैच करिएगा अपना, लगभग लगभग सभी के सही है मैंने देखा है। नाउ दिस इज द पहला टू पोर्ट नेटवर्क है ये, दिस इज फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क। दिस इज सेकेंड टू पोर्ट नेटवर्क। दिस इज फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क, सेकेंड टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। अब दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट को सीरीज में कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना और करंट सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो सीरीज में कनेक्ट करना चाहते हैं, और जब मैं दोनों का इंटरकनेक्शन कर दूंगा तो बेटा ओवरऑल जो आपका नेटवर्क बनेगा वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क होगा। दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट को आप सीरीज में कनेक्ट करना है। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब पहले टू पोर्ट नेटवर्क के दूसरे टर्मिनल और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के पहले टर्मिनल को डायरेक्टली कनेक्ट कर दीजिए। तो कनेक्ट कर देते हैं, पहले टू पोर्ट नेटवर्क के दूसरे टर्मिनल और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के पहले टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। करंट अगर देखेंगे तो करंट सेम आएगा, करंट की अगर कोई दिक्कत वाली बात है तो करंट मान लेते हैं, इनपुट पोर्ट पे I1 करंट ही मानते हैं। ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पे I1 करंट है, जितना ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल में करंट फ्लो करेगा सेम करंट आपके दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल में फ्लो करेगा, दिस इज I1। वोल्टेज अलग अलग होगा लेकिन सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है बेटा, सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है इसलिए हम अलग अलग वोल्टेज मानेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा इनपुट पोर्ट का कनेक्शन, आउटपुट पोर्ट को किसमें कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो ये तो बेटा ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के टर्मिनल हो गए, ठीक है। नाउ ये पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के टर्मिनल है और ये दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के टर्मिनल है। अगर मैं इनको पैरेलल में, आउटपुट पोर्ट के टर्मिनल को पैरेलल में कनेक्ट करना है तो आपको क्या करना है बेटा, पहले टू पोर्ट नेटवर्क के पहले और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के पहले दोनों के एक-एक पहले पहले टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए। दोनों के पहले पहले टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए, दोनों के एक-एक टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और दोनों के दूसरे दूसरे टर्मिनल को दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए, बस इतना ही करना है, कॉमन सी चीजें हैं बस। ये आपको थोड़ा सा आइडिया है क्योंकि इससे पहले ये सब चीजें पढ़ी नहीं, इसलिए मैं आपको बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूं जिससे कि चीजें क्लियर हो। दूसरे आपको दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के दूसरे दूसरे टर्मिनल को आप दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए। चलिए कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो नाउ
आपको दिख रहा होगा कि दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क, आपके दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट जो टर्मिनल होंगे वो पैरेलल में कनेक्ट, चेक करने के लिए दोनों के आउटपुट पोर्ट पे सेम वोल्टेज अपीयर होना चाहिए। आउटपुट पोर्ट पे हम कितना वोल्टेज मानते हैं, तो ओवरऑल वाले के क्रॉस आपने वी टू मान लिया, ये वी टू मान लिया, शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट पे भी वी टू होगा। पोलैरिटी लिखना चाहे तो पोलैरिटी भी मान लीजिए प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आप देखेंगे ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट सर्किट यहां भी आगे बढ़े यहां भी आगे, तो यहां पर वी टू है तो यहां भी वी टू ही होगा। नाउ दिस इज अगेन वी टू, दिस इज वी टू, और यहां भी ये शॉर्ट सर्किट से आगे बढ़े हुए हैं तो सेम पोटेंशियल दैट इज द वी टू, दिस इज प्लस माइनस। तो दोनों के आउटपुट पोर्ट के क्रॉस सेम वोल्टेज अपीयर होता है। दोनों के आउटपुट पोर्ट किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, दिस इज पैरेलल कनेक्शन, और इनपुट पोर्ट सीरीज में कनेक्ट है, पैरेलल कनेक्शन, और इनपुट पोर्ट किसमें कनेक्ट है, सीरीज कनेक्शन में। ठीक है, नाउ अब जरा जो है ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क भी बना लेते हैं। दिस इज ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क, दिस इज ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क। अगर मैं दो टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट कर दूंगा तो ओवरऑल जो टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा उसके कौन से पैरामीटर निकालना आसान होगा, जरा मुझे बताओ कौन से पैरामीटर निकालना आसान होगा। ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के कौन से पैरामीटर निकालना आसान होगा जब आप दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट कर देते हैं। एच पैरामीटर, एक बोल रहा है जेड वाई कुछ भी है, एच पैरामीटर निकालना आसान होगा इस केस में। चलो यहां पर करंट तो मैंने दिखा रखा है दोनों ही टू पोर्ट में, वोल्टेज भी दिखा लेते हैं। तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट में वी वन वोल्टेज मानेंगे, ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पे कितना वोल्टेज मानेंगे, वी वन। करंट तो दिखा रखा है ना ओवरऑल पे, करंट की कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पे करंट दिखा रखा है, वोल्टेज कितना मानेंगे, हेलो वोल्टेज कितना वोल्टेज मानेंगे, वी वन डैश। V1 डैश क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहां पर हमने V1 मान लिया इसलिए मैंने इसको अलग लिखा है, ये V1 डैश होगा। दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट में कितना वोल्टेज मानेंगे, दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क इन करंट तो दिखा है, वोल्टेज कितना मानेंगे, V2 मानेंगे। अरे V2 कैसे, इनपुट पोर्ट है ना तो V1 ही मानेंगे, लेकिन V1 मान चुके हैं, V1 डैश मान चुके, तो इसको V1 डबल डैश मान लेंगे, हो गया। चलो यहां पर आउटपुट साइड पे आ जाओ, आउटपुट साइड पे आप करंट दिखा चुके हो, हेलो आउटपुट साइड पे वोल्टेज दिखा सकते हैं, करंट नहीं दिखा है तो करंट दिखा देते हैं। तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट टर्मिनल पे कितना करंट माना है, यहां से I2 माना है, यहां से कितना माना है, दिस इज अगेन I2 माना है। अब I2 कैसे कैसे फ्लो करेगा, अब पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के टर्मिनल में भी करंट दिखाना है, यहां भी करंट दिखाना है, तो करंट यहां से I2 आ रहा है, ये I2 करंट यहां पर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, यहां पर कितना करंट जाएगा, यहां पर आपका जाएगा I2 डैश, और यहां पर कितना करंट जाएगा, एक मिनट वेट करें जरा दो मिनट।
चलिए जी पैरामीटर कौन बता रहा भाई, जी पैरामीटर कहा गया? चलिए तो ये आपका कौन सा इंटरकनेक्शन है, दिस इज द सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल इंटरकनेक्शन ऑफ ऑफ of of two port networks, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन से पैरामीटर इसमें निकालना आसान होगा। सीरीज पैरेलल इंटरकनेक्शन, तो आप देखेंगे कि सीरीज पैरेलल इंटरकनेक्शन में जो पहला लेटर होता है वो किसके कनेक्शन को बारे में बताएगा, इनपुट पोर्ट के कनेक्शन के बारे में, इनपुट पोर्ट के कनेक्शन के बारे में बताएगा, और दूसरा लेटर जो होगा वो आपका आउटपुट पोर्ट के कनेक्शन के बारे में बताएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा बेटा पैरामीटर आसानी से निकाल सकते हैं ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क का। तो सीरीज मतलब कौन सी इक्वेशन होती है बेटा, सीरीज मतलब होती है सीरीज कनेक्शन में केवीएल इक्वेशन आपकी एग्जिस्ट करती है, और जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें केसीएल इक्वेशन आपकी एग्जिस्ट करती है। केवीएल इक्वेशन किसकी होती है बेटा, वोल्टेज की होती है, वोल्टेज इक्वेशन होती है, और केसीएल इक्वेशन किसकी होती है बेटा, दिस इज द करंट इक्वेशन होती है। तो कौन सा ऐसा टू पोर्ट नेटवर्क है जिसमें पहली इक्वेशन आपकी वोल्टेज की होती है और दूसरी इक्वेशन करंट की होती है? तो आप देखेंगे एच पैरामीटर के केस में आप वी वन और आई टू को आई वन और वी टू के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो एच पैरामीटर के केस में पहली इक्वेशन वोल्टेज की होती है और दूसरी इक्वेशन करंट की होती है, तो आपका जो है इस केस में जब भी आप जो है दो टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे तो आप ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के एच पैरामीटर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एच पैरामीटर बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ एच पैरामीटर, इन केस ऑफ सीरीज पैरेलल इंटरकनेक्शन, ठीक है। इसको लिख लीजिए जितना मैंने आपको बताया, ये याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, नहीं तो फिर तो बेटा याद करना पड़ेगा क्या। चलो तो मेरे ख्याल से हो गया होगा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कनेक्शन होगा पैरेलल सीरीज इंटरकनेक्शन, पैरेलल सीरीज इंटरकनेक्शन हो गया बेटा, आगे बढ़ें, हो गया हो तो आगे बढ़ें।
चलो नेक्स्ट लिखिए बेटा, चौथा इंटरकनेक्शन है दैट इज पैरेलल सीरीज इंटरकनेक्शन। अगर मैं दो टू पोर्ट नेटवर्क को पैरेलल सीरीज इंटरकनेक्शन में कनेक्ट करूंगा तो कैसा कनेक्शन होता है और ओवरऑल जो टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा इस कनेक्शन के बाद उसके कौन से पैरामीटर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो बेटा पहला लेटर जो होगा वो आपके इनपुट पोर्ट के कनेक्शन के बारे में बता रहे कि आपको इनपुट पोर्ट को, दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट को पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो जो पहला कनेक्शन है ये आपका बता रहा है टेल्स अबाउट इनपुट पोर्ट कनेक्शन, और दूसरा लेटर आपका बता रहा है दैट इज टेल्स अबाउट आउटपुट पोर्ट कनेक्शन। ठीक है, चलो कनेक्शन जल्दी से बना लेते हैं। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, इतना पिंक से लिख रहे हैं तो नहीं दिख रहा है मुझे, इतनी दिक्कत रहती रितु तुम्हें है? मेरे ख्याल से सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स रितु तुम्हें ही रहती हैं है, और किसी ने तो नहीं बोला कि पिंक से लिखने पे जो है दिक्कत। पिंक तो लड़कियों को अच्छा लगता है, है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सर पिंक से ही लिख डालिए। चलो कोई बात नहीं, पिंक नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा आवाज और वॉइस में तो किसी को दिक्कत नहीं है, आवाज और वॉइस में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, जल्दी से कनेक्शन बनाते हैं। इस बार मुझे दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को इनपुट पोर्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट करना है, इनपुट पोर्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट करना है और आउटपुट पोर्ट को मुझे सीरीज में कनेक्ट करना है। जल्दी से बना ले आप लोग, दिस इज फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क and this is the second two port network, second two port network। ठीक है, now आपको अपने दोनों ही two port network के input port को connect करना है parallel में, दोनों ही two port network के input ports को connect करना है बेटा parallel में। ठीक है, parallel में connect करना है। तो जब मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो आपका जो है, जब मैं दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को आपका पैरेलल और सीरीज इंटरकनेक्शन में करूं तो ओवरऑल टू पोर्ट, तो ये ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट है। अगर मैं इनपुट पोर्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट करना चाहता हूं तो बेटा दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के पहले पहले टर्मिनल को मैं एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा, पहले पहले टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए और दूसरे दूसरे टर्मिनल को आप जो है दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए, दूसरे दूसरे टर्मिनल को आप दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो बेटा इनपुट साइड आपका कनेक्ट हो गया किसमें, पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट हो गया, पैरेलल कनेक्शन। और बेटा दोनों के आउटपुट पोर्ट को सीरीज में कनेक्ट करना है, दोनों के आउटपुट पोर्ट्स को आपको सीरीज में कनेक्ट करना। अच्छा चेक कर लेते हैं, इनपुट पोर्ट आपके पैरेलल में नहीं, पैरेलल के लिए वोल्टेज, तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल में कितना वोल्टेज मानते थे, V1, तो यहां भी कितना आएगा बेटा, शॉर्ट सर्किट है V1, तो बेटा इनपुट पोर्ट के टर्मिनल के अक्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा, V1, दिस इज V1,
और बेटा दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट में भी कितना वोल्टेज आएगा बेटा? दिस इज नथिंग बट द वी वन. कितना वोल्टेज आएगा? नथिंग बट दिस इज वी वन एंड दिस इज वी वन, तो ये भी आपका वी वन ही आएगा. दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पे सेम पोटेंशियल है, तो इनपुट पोर्ट दोनों के पैरेलल में कनेक्ट है. नाउ आउटपुट पोर्ट को आपको सीरीज में कनेक्ट करना है. सीरीज में कनेक्ट करने के लिए पहले टू पोर्ट नेटवर्क के दूसरे टर्मिनल और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के पहले टर्मिनल को डायरेक्टली आपस में कनेक्ट कर दीजिए. कनेक्ट कर देते हैं, डायरेक्टली आपस में कनेक्ट कर देते हैं. और जैसे ही डायरेक्टली आपस में कनेक्ट कर देंगे, दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट आपके सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट हो जाएंगे. चेक करने के लिए करंट देख लीजिए, बराबर आएगा. दिस इज सीरीज कनेक्शन, दिस इज सीरीज कनेक्शन. ठीक है, नाउ करंट चेक कर लेते हैं. आउटपुट पोर्ट की बात है, आउटपुट पोर्ट में करंट मानते हैं हमेशा आई टू. दिस इज आई टू, दिस इज ऑल्सो 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 आई टू एंड दिस इज ऑल्सो आई टू. ठीक है, तो ओवरऑल जो टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा, दिस इज द ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क. जब मैं दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क को पैरेलल स्विच कॉम्बिनेशन या फिर इंटरकनेक्शन में कनेक्ट करूंगा, तो ये मेरा ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बनने वाला है. दिस इज योर ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क, दिस इज ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क, दिस इज ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क. ठीक है, ये आपका ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क है. अब मुझे क्या करना है कि आपके जो भी आपका ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क है, उसमें वोल्टेज करंट दिखाना है, इनपुट में भी आउटपुट में. आप देखेंगे ओवरऑल जो टू पोर्ट नेटवर्क है, उसमें इनपुट टर्मिनल पे वोल्टेज बना रखा है, केवल करंट बनाना होगा, तो करंट बना लेते हैं. तो बेटा ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल में करंट माना आई वन. ये करंट आपका एक टर्मिनल से आई वन करंट इन करेगा, तो दूसरे से आई वन करंट क्या भी करेगा, लीव करेगा. अब ये जो दोनों टू पोर्ट नंबर वन है और जो टू पोर्ट नंबर टू है, पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, वोल्टेज दोनों के इनपुट पोर्ट पे बने बना रखा है, केवल करंट बनाना पड़ेगा पे इनपुट टर्मिनल में. तो करंट बनाते हैं, तो यहां से बेटा आपका आई वन करंट आ रहा है, ये करंट इस नोड में डिवाइड होगा, यहां पर जाएगा आई वन डैश, यहां पर आई वन डबल डैश. क्योंकि इनपुट टर्मिनल के बारे में बात करें तो आई वन करंट मानते हैं, चूंकि आई वन मान रखा है तो आई वन डैश मान लिया, और इसके इनपुट पोर्ट पे कितना करंट मान लेते हैं, आई वन डबल डैश मान लेते हैं. यहां से आपका पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल में, एक टर्मिनल में आई वन करंट आई वन डैश इन करेगा, दूसरे से आई वन डैश लीव करेगा. ना यहां पर दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल के इनपुट पोर्ट के एक टर्मिनल में आई वन डबल डैश करंट इन करेगा, तो इनपुट पोर्ट के दूसरे टर्मिनल से आई वन डबल डैश लीव भी करेगा. यहां से आ जाएगा आई वन डैश, यहां से आ जाएगा आई वन डबल डैश, और दोनों करंट फिर से मिलके कितना करंट बना देंगे, आई वन करंट बना देंगे. अब बेटा सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है, तो आउटपुट पोर्ट पे वोल्टेज बनाना पड़ेगा, तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज माना वी टू, पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट पे कितना वोल्टेज मान लिया बेटा, यहां पर वी टू था तो वी टू डैश मान लिया, और यहां पर मान लिया V2 डबल डैश, आउटपुट पोर्ट के टर्मिनल में माना है V2 डबल डैश. ये क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो मैं ये सब चीजें डायरेक्ट लिख दूंगा. यहां तो मैं आपको समझा के लिख रहा हूं, बट अगली बार नहीं समझाऊंगा. नेक्स्ट, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में जब टू पोर्ट दो टू पोर्ट नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, तो कौन से पैरामीटर हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कौन से पैरामीटर डायरेक्टली निकाल लेंगे इस बार, जी पैरामीटर ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के डायरेक्टली निकाल सकते हैं. इसको बनाइए, फिर आगे चलते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है कास्केडिंग कनेक्शन, जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन होगा कास्केडिंग कनेक्शन, जो इसका नेक्स्ट कनेक्शन होगा. कब दो टू पोर्ट नेटवर्क कास्केडिंग कनेक्शन में कनेक्ट होते हैं, यह हम लोगों को देखना होगा. कब दो टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग कनेक्शन में कनेक्ट मानते हैं, ये हम लोगों को देखना होगा. ठीक है, अगर लिख लिया हो तो आगे बढ़े बेटा. शॉर्टकट से हम लोग देखते हैं कौन से पैरामीटर निकालना आसान होगा. मेरे ख्याल से बना चुके हैं,
अब है, बना लिया, बना लिए, बना रहे हो गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, किस कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं? पैरेलल सीरीज इंटर कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इंटर कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला लेटर हमेशा इनपुट पोर्ट के कनेक्शन के बारे में बताएगा और दूसरा लेटर होगा इंटर कनेक्शन में, वो आउटपुट पोर्ट के कनेक्शन के बारे में, इनपुट पोर्ट के कनेक्शन के बारे में बताएगा, और दूसरा जो लेटर होगा वो आउटपुट पोर्ट के कनेक्शन के बारे में बताएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि इनपुट पोर्ट पैरेलल, पैरेलल में कौन सी इक्वेशन एग्जिस्ट करती है? के सी एल। और बेटा सीरीज में कौन सी इक्वेशन आपकी एग्जिस्ट करती है? के वी एल। केसीएल इक्वेशन होती है करंट की, और बेटा केवीएल इक्वेशन जो होती है वो वोल्टेज की इक्वेशन होती है। तो कौन सा ऐसा टू पोर्ट पैरामीटर है जिसमें पहली इक्वेशन करंट की और दूसरी इक्वेशन वोल्टेज की, दैट इज जी पैरामीटर। जी पैरामीटर के केस में आप आई वन और वी टू को वी वन और आई टू के फॉर्म पे लिख सकते हैं, तो दैट इज नथिंग बट द, जब आप दो टू पोर्ट नेटवर्क को पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के जी पैरामीटर डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाते हैं। जी पैरामीटर ऑफ ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क आर डायरेक्टली कैलकुलेटेड आर डायरेक्टली कैलकुलेटेड इन केस ऑफ पैरेलल सीरीज इंटरकनेक्शन, आर डायरेक्टली कैलकुलेटेड इन केस ऑफ पैरेलल सीरीज इंटरकनेक्शन। और कितना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो अभी आ जाएगा। कितना लिख लीजिए पहले आप लोग, एंड लास्ट कनेक्शन इज कैस्केडिंग कनेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्शन फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं इसी कनेक्शन को यूज करने के लिए मैंने आपको इलेक्ट्रिकल वालों को टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ा दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा यही यूज होता है। इसका एप्लीकेशन मैं आपको दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन हम लोग पहले करके आए थे, आपका एक सीरीज ब्रांच थी जिसमें केवल आपके पास जो है केवल एक इम्पीडेंस लगा था, उसके एबीसीडी पैरामीटर निकाले थे, संट ब्रांच के निकाले थे, फिर इन्वर्टेड एल के निकाले थे, वो सब डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से हो गया होगा। चल तो आप देखेंगे कि अगर आप दो टू पोर्ट नेटवर्क को अगर पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, तो जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा, ये ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क है, इसके जी पैरामीटर डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएंगे। कैसे कैलकुलेट होंगे? अगर पहले टू पोर्ट नेटवर्क के जी पैरामीटर मालूम है, दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के जी पैरामीटर मालूम है, और इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को आप पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के जो जी पैरामीटर होंगे, जी पैरामीटर मैट्रिक्स होगा, वो पहले टू पोर्ट नेटवर्क के जी पैरामीटर मैट्रिक्स और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के जी पैरामीटर मैट्रिक्स से सम के बराबर।
मतलब अगर मैं दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के जी पैरामीटर मैट्रिक्स को ऐड कर दूंगा तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के जी पैरामीटर मैट्रिक्स आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। और जब एक बार आपको जी पैरामीटर मैट्रिक्स निकल आया तो पहला एलिमेंट होगा उस मैट्रिक्स का G11, दूसरा एलिमेंट होगा G12, तीसरा एलिमेंट होगा G21 और चौथा एलिमेंट होगा G22। ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के जी पैरामीटर आपको कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर दो टू पोर्ट नेटवर्क है उनके जी पैरामीटर मालूम है और अगर उन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को आप पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में इंटरकनेक्शन में कनेक्ट कर देते हैं तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के जी पैरामीटर जो होंगे वो दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के जी पैरामीटर के मैट्रिक्स समेशन के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चल लास्ट इंटरकनेक्शन लिखिए, दैट इज लास्ट इज फिफ्थ। और बेटा इसमें लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इंटरकनेक्शन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इसी इंटरकनेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। और ये चौथा या फिर पांचवा इंटरकनेक्शन है कैस्केडेड कनेक्शन, कैस्केड इंटरकनेक्शन ऑफ टू टू पोर्ट नेटवर्क, कैस्केडेड इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। दो टू पोर्ट नेटवर्क का कैस्केड कनेक्शन के बारे में बात करें। अच्छा, कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है? दो अगर मैं सर्किट्स को कैस्केडिंग कनेक्शन में कनेक्ट करना चाहता हूं तो कैसे कनेक्ट करें? कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है? पहले वाले के आउटपुट टर्मिनल को दूसरे वाले के इनपुट टर्मिनल से डायरेक्टली कैलकुलेट करना आपका क्या कहलाता है? कैस्केड कनेक्शन कहलाता है। मैंने क्या बोला? पहले वाले सर्किट के आउटपुट टर्मिनल को दूसरे वाले सर्किट के इनपुट टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्ट करना आपका कैस्केड कनेक्शन कहलाता है। अगर आपके पास दो टू पोर्ट नेटवर्क है, सीरीज कनेक्शन नहीं है, सीरीज कनेक्शन इज नॉट ए कैस्केड कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। अब तुम लोग को यह भी नहीं आता, तुम लोग पगला गए हो। सीरीज कनेक्शन होता है कि एक के फिनिश को दूसरे के स्टार्टिंग से कनेक्ट करना। सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है एक के फिनिश को दूसरे के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द सीरीज कनेक्शन। ठीक है, लेकिन आपका जो है जो कैस्केड कनेक्शन है एक सर्किट के बीच में आपका कौन सा कनेक्शन होता है? दैट इज नथिंग बट द कैस्केड कनेक्शन। एलिमेंट के बीच में सीरीज कनेक्शन होता है, एलिमेंट के बीच सीरीज कनेक्शन होता है और सर्किट्स के बीच में कैस्केड कनेक्शन होता है। तो यहां पर हम सर्किट, दो टू पोर्ट सर्किट है उनके बीच में कैस्केड कनेक्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैस्केडिंग का मतलब होगा कि अगर दो सर्किट को आप कैस्केडिंग में कनेक्ट करना चाहते हो तो पहले के आउटपुट टर्मिनल को आप दूसरे के इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट कर लीजिए डायरेक्टली। या फिर अगर दो टू पोर्ट नेटवर्क है, दो टू पोर्ट नेटवर्क को अगर कैस्केडिंग में कनेक्ट करना है तो पहले के आउटपुट टर्मिनल को या फिर पहले के आउटपुट पोर्ट को दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर दीजिए या फिर इनपुट पोर्ट के टर्मिनल से डायरेक्टली कैलकुलेट कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड द कैस्केडिंग कनेक्शन। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको सर्किट बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कैस्केड का मतलब होता है, लिख लीजिए पहले आउटपुट पोर्ट ऑफ द फर्स्ट सर्किट। कैस्केड मींस लिख लीजिए, कैस्केड मींस क्या होता है? अभी कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। कैस्केड कनेक्शन कैस्केड कनेक्शन का मतलब द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट सर्किट, द आउटपुट ऑफ फर्स्ट सर्किट इज कनेक्टेड कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ सेकेंड सर्किट इज नोन एज तो
एक मिनट वेट करिएगा, जरा थोड़ा सा मेहमान लोग आ गए हैं, एक मिनट थोड़ा सा। चलिए, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो आप देखेंगे कि मैंने कैस्केडिंग कनेक्शन की आपको डेफिनेशन लिखाई है कि द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट सर्किट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द सेकेंड सर्किट इज नोन एज ए कैस्केड कनेक्शन, इज नोन एज ए कैस्केड कनेक्शन। इसको बोलते हैं कैस्केड कनेक्शन। अगर पहले के आउटपुट टर्मिनल को, पहले के आउटपुट टर्मिनल या फिर पहले सर्किट के आउटपुट को आप दूसरे सर्किट के इनपुट से कनेक्ट कर दें तो दैट इज कॉल्ड द कैस्केड कनेक्शन। अब दो टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग में कनेक्ट करना है तो पहले के आउटपुट पोर्ट के टर्मिनल को आप दूसरे के इनपुट पोर्ट के टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्ट कर दीजिए तो आपका कौन सा कनेक्शन कहलाया जाएगा, दोनों टू पोर्ट नेटवर्क आपके कैस्केडिंग कनेक्शन में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, मैं कनेक्शन बनाने की तरफ चलता हूं। लिख लिया बेटा, चलिए अब कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं कैस्केडिंग। मैं दो टू पोर्ट नेटवर्क ले रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क। ध्यान से देखिएगा, दिस इज फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क, दिस इज द सेकेंड टू पोर्ट नेटवर्क। इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग कनेक्शन में कनेक्ट करना, दिस इज द फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क एंड दिस इज द सेकेंड टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क एंड दिस इज द सेकेंड टू पोर्ट नेटवर्क। चलो मैं टर्मिनल भी बना देता हूं। ये पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल है और ये दूसरे पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट टर्मिनल है। ये दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल है और ये दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट टर्मिनल है। ठीक है,
अब आप इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग में कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग में कनेक्ट करना चाहते हैं तो पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट टर्मिनल को दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दीजिए। अगर मैं पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट टर्मिनल को दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल से डायरेक्टली कैलकुलेट कनेक्ट कर दूंगा तो आपके दोनों टू पोर्ट नेटवर्क किस कनेक्शन में कनेक्ट हो जाएंगे? कैस्केडिंग में। ठीक है, कनेक्ट करो पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के टर्मिनल को दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा। पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट टर्मिनल को दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल से डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। और जैसे आप पहले के आउटपुट टर्मिनल को दूसरे के इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे आपके दोनों टू पोर्ट नेटवर्क किस कनेक्शन में कनेक्ट हो जाएंगे? दिस इज कॉल्ड द कैस्केडिंग कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। दिस इज कैस्केडिंग कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स। और आप देखेंगे कि अगर मैं दो टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग में कनेक्ट करूंगा तो दो टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग में कनेक्ट करने के बाद जो ओवरऑल सर्किट बनता है वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ये जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क है वो भी कौन सा नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है? टू पोर्ट नेटवर्क को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। ओवरऑल जो टू पोर्ट नेटवर्क होगा वो आपके ओवरऑल जो टू पोर्ट नेटवर्क है वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मुझे बेटा आपके ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट और आउटपुट टर्मिनल पे वोल्टेज और करंट दिखाना है, और बेटा पहले टू पोर्ट और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के भी इनपुट और आउटपुट पोर्ट पे वोल्टेज और करंट दिखाना है। ठीक है, करंट दिखाना। सर वॉइस इज नॉट कमिंग। क्या आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या पंकज? आ रही है? चलो ठीक है। तो यहां पर देखें अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मेरे पास कैस्केडेड कनेक्शन बना है, दो टू पोर्ट नेटवर्क को जब कैस्केडिंग में कनेक्ट करेंगे तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क भी एक आपका ओवरऑल नेटवर्क भी एक टू पोर्ट नेटवर्क होगा। ठीक है, चलो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल के वोल्टेज को मैं V1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इनपुट करंट को मैं I1। ओवरऑल जो टू पोर्ट नेटवर्क होगा उसके इनपुट पोर्ट के वोल्टेज को V1 से और इनपुट पोर्ट के करंट को I1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के टर्मिनल के वोल्टेज को V2 से और करंट को बेटा I2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। किससे? I2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, ये तो बेटा ओवरऑल का हो गया। ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट और आउटपुट पोर्ट में आपने वोल्टेज करंट दिखा दी। अब जरा पोर्ट वन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। पोर्ट वन के इनपुट टर्मिनल के वोल्टेज और करंट और इनपुट पोर्ट वन के आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज और करंट को दिखाना। ध्यान से देखिएगा, जो मेरा पहला टू पोर्ट नेटवर्क है उसके इनपुट टर्मिनल के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा आप देखेंगे। ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज V1 है, इसी को आपने शॉर्ट सर्किट से आगे बढ़ा दिया है। तो अगर ये V1 है तो पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल के क्रॉस भी वोल्टेज कितना आएगा? V ही आएगा, V1 विल बी देयर। ठीक है, तो आप देखेंगे पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के अक्रॉस कितना वोल्टेज ही आएगा? V1 ही आएगा। हेलो, ये दोनों शॉर्ट सर्किट से कनेक्ट है, शॉर्ट सर्किट मतलब सेम पोटेंशियल पॉइंट। ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल के बीच V1 है, शॉर्ट सर्किट मतलब अगर इन दोनों टर्मिनल के बीच V1 है तो इन दो टर्मिनल के क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा? V1। करंट कितना फ्लो करा? अगर ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल में I1 करंट है तो पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल में भी कितना ही करंट आएगा? यहां भी I1 करंट आएगा। दिस इज I1, क्योंकि ये दोनों टर्मिनल पोर्ट है तो एक टर्मिनल से अगर I1 करंट इन करेगा तो दूसरे से I1 करंट को क्या भी करना पड़ेगा? लीव भी करना पड़ेगा। अब पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट टर्मिनल पे आता हूं। ठीक है, पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट टर्मिनल पे वोल्टेज मैं मान लेता हूं, हेलो, ओवरऑल पे मैंने आउटपुट पे V2 माना है तो यहां पर मैं V2 मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं? दिस इज V2। और करंट कितना मान लेता हूं? करंट मान लेता हूं आपका, दिस इज नथिंग बट द
आई टू डैश, आउटपुट टर्मिनल पे ना पहला है तो आई टू डैश, टर्मिनल एक से अगर आई टू डैश इन करेगा तो दूसरे से आई टू डैश को क्या भी करना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा। दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क पे आ जाते हैं, दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है, दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क में आ जाते हैं। दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क में अगर आप मैं बात करूं, या फिर आप देखो अगर ऐसे भी मानना है तो आप यहां पर पहले टू पोर्ट में आई वन वी वन डैश यहां मान सकते हो, यहां पर आप वी वन डैश भी मान सकते हो, और वी वन डैश और वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अगर यहां पर आप वी वन डैश मानोगे तो ये दोनों बराबर होंगे, यहाँ आई वन डैश मानोगे तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। बाद में आप वी वन डैश की जगह वी वन लिख सकते हो, आई वन डैश की जगह आई वन लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर डैश के फॉर्म पे लिखना चाहते हो डैश के फॉर्म पे भी लिख सकते हो, लेकिन ये दोनों वोल्टेज आपस में बराबर होंगे, ये दोनों करंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। चलिए मैं डैश के फॉर्म पे लिख देता हूं, जब हम कैलकुलेशन करेंगे डेरिवेशन करेंगे तो ये दोनों वोल्टेज आपस में हमेशा कैसे होंगे, ये दोनों वोल्टेज आपस में हमेशा बराबर होंगे, और ये दोनों करंट आपस में हमेशा कैसे होंगे, बराबर। पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल के वोल्टेज को आप वी वन डैश से लिख लीजिए, कैसे, किससे रिप्रेजेंट कर लीजिए, वी वन डैश से, और करंट को आप जो है आई वन डैश से रिप्रेजेंट कर दीजिए। इनपुट पोर्ट, पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट वोल्टेज को वी वन डैश से रिप्रेजेंट किया, करंट को आई वन डैश से। पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया वी टू डैश से, और बेटा आउटपुट टर्मिनल के करंट को आई टू डैश से। चलो दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क में चलते हैं, दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल के वोल्टेज को मैं रिप्रेजेंट करूंगा वी टू डैश से, किससे, वी दैट इज वी वन डैश से, किससे, वी वन डैश, इनपुट टर्मिनल है ना, दिस इज द वी वन डैश, ठीक है। और जब मुझे कैलकुलेशन करना होगा तो ये दोनों वोल्टेज बराबर होंगे बेटा, वी वन डबल डैश, वी वन डबल डैश, दिस इज डबल डैश सेकेंड है ना, दिस इज डबल डैश, वी वन डबल डैश, दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज कितना है, वी वन डबल डैश, और बेटा दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल में, इनपुट टर्मिनल में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज इनपुट है ना, तो आई वन डबल डैश, क्योंकि पोर्ट है तो अगर आई वन एक टर्मिनल से आई वन डबल डैश करंट इन कर रहा है तो दूसरे टर्मिनल से आई वन डबल डैश करंट लीव भी करेगा, ठीक है। नाउ इनपुट पोर्ट पे हमेशा वोल्टेज मानते थे वी वन, वी वन यहां हो चुका है, वी वन डैश यहां हो चुका है, तो मैंने दूसरे वाले में मान लिया वी वन डबल डैश, करंट आई वन मानते थे आई वन हो गया तो यहां पर आई वन डैश मान लिया, दूसरे में फिर मैंने आई वन डबल डैश मान लिया। दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज है वी टू डबल डैश, और करंट कितना है, दिस इज आई टू डबल डैश एंड दिस इज I2 double dash। और जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये दोनों वोल्टेज आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, और ये दोनों करंट आपस में कैसे होंगे, बराबर। जब मैं आपको कैलकुलेशन करवाऊंगा तो ये दोनों वोल्टेज बराबर लेके चलूंगा, ये दोनों करंट भी बराबर, दोनों एक ही ब्रांच के करंट है, डायरेक्शन भी सेम है, तो I2 इज नथिंग बट इक्वल टू I2 double dash और V2 इज नथिंग बट इक्वल टू V2 double dash। उसी तरह V1 इज इक्वल टू V1 dash, I1 इज इक्वल टू I1 dash, ठीक है। ये दोनों वोल्टेज भी आपस में बराबर होंगे, लेकिन ये दोनों करंट एक दूसरे के निगेटिव होंगे, दोनों एक ही ब्रांच के करंट है लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो दिस करंट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ दिस करंट जब हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कैस्केडिंग कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दो टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग कनेक्शन में कनेक्ट करना चाहते हो तो पहले के आउटपुट पोर्ट्स को आप दूसरे के इनपुट पोर्ट के साथ डायरेक्टली क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट योर व्हाट टाइप ऑफ द कनेक्शन, कैस्केडिंग कनेक्शन। कैस्केडिंग कनेक्शन में कौन से टू पोर्ट पैरामीटर आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं ओवरऑल, तो आप देखेंगे अगर दो टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे तो जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा उसके कौन से पैरामीटर डायरेक्टली निकाले जा सकते हैं, बताओगे क्या, कोई आंसर बता सकते हो, टी पैरामीटर, वेरी गुड पिंकी, बिल्कुल सही आपने बताया, टी पैरामीटर आसानी से निकाले जा सकते हैं, और आंसर क्या होगा वो देखने की कोशिश करते हैं। पहले यहां पर नोट करके लिख लो, पहले इतना बना लो, कैस्केडिंग कनेक्शन पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसा होता है, वही मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, अभी कैलकुलेशन नहीं करा रहा हूं, रिजल्ट लिखा रहा हूं, रिजल्ट का मैं प्रूफ भी आपको करा दूंगा और फिर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे।
चलो नोट करके लिखेंगे। इन कैस्केडेड कनेक्शन, या फिर आप ये लिखिए टी पैरामीटर आर डायरेक्टली कैलकुलेटेड, टी पैरामीटर ऑफ ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क एच डायरेक्टली कैलकुलेटेड, टी पैरामीटर ऑफ ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क इज डायरेक्टली कैलकुलेटेड इन दी कैस्केडेड कनेक्शन, कैस्केडेड कनेक्शन में ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर डायरेक्टली निकाले जा सकते हैं। और टी पैरामीटर कितने होंगे ये हम लोग देख लेते हैं, क्या रिजल्ट होगा इतना लिख लीजिए पहले। तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास दो टू पोर्ट नेटवर्क है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो रिजल्ट है वो केवल मैट्रिक्स फॉर्म पे ही अप्लीकेबल है। अगर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है उसके टी पैरामीटर आपको मालूम है, दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क है जिसके टी पैरामीटर आपको मालूम है, अगर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है जिसके टी पैरामीटर मालूम है, एक दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क है जिसके टी पैरामीटर मालूम है, अगर इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग कनेक्शन में कनेक्ट कर देंगे तो जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा उसका टी पैरामीटर मैट्रिक्स, उस ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क का टी पैरामीटर मैट्रिक्स जो होगा इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। मैंने क्या बोला, अगर आपके पास दो टू पोर्ट नेटवर्क है, पहले टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर आपको मालूम है या फिर एबीसीडी पैरामीटर मालूम है, दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के भी एबीसीडी पैरामीटर मालूम है, तो जब आप इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे तो जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क है उसके जो एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स होंगे इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन, मतलब एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं, जैसे मान लीजिए जो पहला टू पोर्ट नेटवर्क है इसका जो टी पैरामीटर मैट्रिक्स है वो टीए है, दूसरा वाला जो आपके पास टू पोर्ट नेटवर्क है उसका टी पैरामीटर मैट्रिक्स टीबी है, और ये जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बन रहा है, ये जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क है उसका टी पैरामीटर मैट्रिक्स टीटी है, टोटल टी पैरामीटर ऑफ ओवरऑल नेटवर्क। तो मैंने बोला कि अगर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है जिसका टी पैरामीटर मैट्रिक्स मालूम है, दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क है जिसका टी पैरामीटर मैट्रिक्स मालूम है, अगर इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे तो जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा उसके जो टी पैरामीटर मैट्रिक्स होंगे वो पहले वाले के टी पैरामीटर मैट्रिक्स और दूसरे वाले टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होंगे। मतलब जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क है, ये जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क है उसका जो टोटल टी पैरामीटर मैट्रिक्स होगा वो बराबर होगा पहले टू पोर्ट नेटवर्क का टी पैरामीटर मैट्रिक्स और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। दिस इज जो ओवरऑल टी पैरामीटर मैट्रिक्स होगा, जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा उसका टी पैरामीटर मैट्रिक्स पहले टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर मैट्रिक्स दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। मतलब पहले टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर मैट्रिक्स से कर दीजिएगा तो बेटा जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा वो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के
टी पैरामीटर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अभी तक क्या हो रहा था, सम हो रहा था, लेकिन कैस्केडिंग में सम के बराबर नहीं होता, किसके होता है, दैट इज पहले टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर मैट्रिक्स और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर मैट्रिक्स का अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क का टी पैरामीटर मिल जाएगा, टी पैरामीटर मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर दो टू पोर्ट नेटवर्क हैं जिनको आप कैस्केडिंग कनेक्शन में करते हैं तो जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा उसका टी पैरामीटर मैट्रिक्स बराबर होगा पहले टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर मैट्रिक्स दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के, मतलब दोनों के टी पैरामीटर मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर मैट्रिक्स मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, और एक बार आपको मैट्रिक्स मालूम चल गया तो आप जो है पहला पैरामीटर जो होगा टी पैरामीटर मैट्रिक्स का वो ए पैरामीटर होगा, दूसरा जो एलिमेंट होगा वो बी एलिमेंट होगा, तीसरा जो पैरामीटर होगा वो आपका सी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करो, चौथा एलिमेंट जो होगा वो आपके डी पैरामीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखने चाहते हैं कि अगर जो है तो ये आपके सारे के सारे इंटरकनेक्शन है जो कि मैंने अभी आपको बना के दिखा दिए, और अब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि अगर दो टू पोर्ट नेटवर्क है उनको मैं अगर सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करूंगा तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर किसके बराबर आएंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर दो टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज इंटरकनेक्शन में कनेक्ट कर देते हैं तो जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क होगा उसके जेड पैरामीटर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और वो जेड पैरामीटर किसके बराबर आएंगे, दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर मैट्रिक्स के सम के बराबर आएंगे। अगर दो टू पोर्ट नेटवर्क को पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के वाई पैरामीटर जो होंगे वो दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के वाई पैरामीटर मैट्रिक्स के सम के बराबर होंगे। अगर आप दो टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज पैरेलल इंटरकनेक्शन में कनेक्ट करेंगे तो ओवरऑल जो आपके पास टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा उसके जो एच पैरामीटर होंगे, एच पैरामीटर मैट्रिक्स जो होगा वो दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के एच पैरामीटर मैट्रिक्स के सम के बराबर हो जाएगा। अगर आप दो टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर को पैरेलल सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं तो जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क होगा उसका जी पैरामीटर मैट्रिक्स जो होगा वो आपके दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क के जी पैरामीटर मैट्रिक्स के सम के बराबर होगा। और अगर आपके पास दो टू पोर्ट नेटवर्क है जिनको आप कैस्केडिंग कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं तो जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क है उसका टी पैरामीटर मैट्रिक्स जो होगा वो दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। तो इस नोट को जरा लिख लो क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते, लिखिए नोट। यदि दो टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग कनेक्शन में को कैस्केडिंग कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क का टी पैरामीटर मैट्रिक्स, वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे रिजल्ट मैट्रिक्स फॉर्म पे ही अप्लीकेबल है। टी पैरामीटर मैट्रिक्स उन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है।
बराबर होता है। ठीक है, अब मैं आपको केवल दो डेरिवेशन कराऊंगा, एक तो कैस्केडेड कनेक्शन का और एक आपको सी सीज कनेक्शन का, बाकी आपको जो है ट्रिक से याद करना होगा। ठीक है, केवल एक मैं आपको शुरुआत वाले का डेरिवेशन करा दूंगा कि अगर दो टू पोर्ट नेटवर्क को आप सी सीज कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के जो जेड पैरामीटर होंगे वो आपके दोनों ही टू पोर्ट पैरामीटर के जेड पैरामीटर मैट्रिक्स से सम के बराबर आ जाएंगे। और कैस्केडेड का मैं जरूर कराऊंगा क्योंकि कैस्केडेड का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका रिजल्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, तो दो डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, पहला आप लिख लीजिए दैट इज सीरीज सीरीज कनेक्शन। तो मैंने कनेक्शन बनाना बता दिया है, अब हम डेरिवेशन से रिजल्ट देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखे बेटा सीरीज सीरीज कनेक्शन। अब इसके रिजल्ट हम लोग जो है लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको कल स्टार्ट करेंगे जो है आपका, और कल दोनों ही जो है जेड पैरामीटर का मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा, फिर वाई, फिर उसके मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, फिर वाई वाले का रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिखाऊंगा, फिर उसके क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर इस तरह से आपके एक एक क्वेश्चन कराते हुए हम लोग कैस्केडेड कनेक्शन की तरफ पहुंच जाएंगे। और कैस्केडेड कनेक्शन में हम कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे आपके सेम कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ठीक है, टाइम आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, और बेटा आपकी जनरेशन की क्लास आज नहीं है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे आपके जो है जनरेशन वाली क्लास। अब इसके बाद आपकी ईडीसी की क्लास ही रहेगी जो है। ठीक है, ईडीसी की क्लास रहेगी। आजकल मैं थोड़ा सा जो है एक दो चीजों पे बिजी हूं इसलिए नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन कल से मैं आपकी जनरेशन की क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है सर, आज वाला मेजरमेंट का लेक्चर। बेटा लेक्चर जो है मैं सुबह अपलोड कर रहा था, थोड़ा सा पता नहीं सर्वर में दिक्कत है इस वजह से अपलोड नहीं हो पा रहा, अभी मैं एक बार और ट्राई कर लूंगा। आपकी जो नेक्स्ट क्लास है, हाँ वो सेम टाइम जो टाइम दिया उसी टाइम पे होगी। ठीक है, अगर 9 बजे सर ने मैसेज किया तो 9 बजे ही आपकी जो है ईडीसी में शायद फर्मी लेवल पढ़ा रहे हैं, फर्मी लेवल सर आपको पढ़ाएंगे जो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स।